नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौड़, डायरेक्टर सेवागी नर्सिंग अकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम जोधपुर, आप सभी का एसएन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलेगा आज आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हर मंथ की बात ही आपके लिए एज यूजुअल डेमो का दूसरा दिन है और आपके लिए न्यू बैच का अनाउंसमेंट किया गया है। या न्यू बैच के अनाउंसमेंट में बेटा आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के बैच आपके रन आउट हो रहे हैं। ऑफलाइन बैच की फीस 21,999 रुपीज़ है और ऑनलाइन की 8,999 रुपये फीस है बेटा। ऑफलाइन में जो क्लासें लाइव होगी वही आपके ऑनलाइन में लाइव होगी बेटा। यानी आप जो ऑनलाइन है वो लाइव फ्रॉम ऑफलाइन है बेटा। यानी घर बैठे आप ऑफलाइन का आनंद भी ले सकते हैं। ऑफलाइन की जो फीस है वो 21,999 और ऑनलाइन की 8,999 है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। एसएनए की तरफ से नहीं है लेकिन दूसरे हॉस्टल आपके एसएनए की तरफ से हॉस्टल है बेटा। एड्रेस जो रहेगा ऑफलाइन का वो रहेगा थर्ड फ्लोर धनलक्ष्मी टावर अबो आईडीबीआई बैंक, फर्स्ट सोपासन रोड नियर सनीचरती का छान जोधपुर बेटा। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 8368066088 या 8686865368 है बेटा। ये ऑफलाइन क्लासेज है आपके जोधपुर में जालौर गेट के पास रनिंग है बेटा। और 1 दिसंबर से नया बैच शुरू हुआ है। ऑनलाइन क्लास है उसके लिए भी 1 दिसंबर से नया बैच शुरू हो गया। फीस है 8,999 रुपये। इसमें 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको क्लासें मिल रही है बेटा। आपको जो रनिंग स्टूडेंट है उनको नॉर्मली 1 ईयर की वैलिडिटी है। सारी क्लासें लाइव होगी और लाइव होने के बाद क्लासें आपकी सेव हो जाएगी ऐप में। कोई वर्किंग है तो वो कभी भी देख सकता है क्लासेस को, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस ऑनलाइन में आपका फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, कंप्लीट नोट्स की ईपीडीएफ मिल जाएगी, कंप्लीट थ्योरी के साथ एमसीक्यू आपको लगभग करा दिए जाएंगे बेटा। गवर्नमेंट सेलेक्टेड आपको फैकल्टी पढ़ाने वाली है। ये जो बेस टारगेट करेगा, ये टारगेट करेगा नोट शेड 2023 को आपका राजस्थान सीएचओ, राजस्थान स्टाफ नर्स, ईएसआईसी, यूपीएससी, जीपीएसएसबी, ईएमसी, वीएमसी गुजरात, आरआरबी, पीजीआई, जीएमसीएच, नीमांस। इसके अलावा यूपी में अभी जो हाल ही में वैकेंसी आई उनको, वेस्ट बंगाल में वैकेंसी आई है, वहाँ पे तमिलनाडु में वैकेंसी आई, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे वैकेंसी आई नर्सिंग के, यानी इंडिया में कोई भी नर्सिंग सेक्टर का एग्जाम उस सभी को टारगेट करेगा ये बैच बेटा। चलिएगा इसके अलावा जो रनिंग स्टूडेंट है, जो मान लीजिएगा जेएनएम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है या बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उन बच्चों को मात्र 8,999 रुपये में कोर्स अवेलेबल है बेटा। फीस मात्र उनको 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है, सबसे बड़ी बात है उनको एक्स्ट्रा 3 साल तक की वैलिडिटी बेटा। चलिएगा ये हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे ऑफलाइन का बैच अवेलेबल है, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आपको चाहिए विद नोट्स तो 11,999 अवेलेबल है। नोट्स एट एम्स, ईएसआईसी, आरआरबी बैच 8,999 अवेलेबल है। जीएमईआर स्टाफ नर्स गुजरात के पीएससी सीएचओ एग्जाम में 8,900 का एग्जाम अवेलेबल है बेटा। क्रेश कोर्स 2999 अवेलेबल है ऑल एग्जाम के लिए। इसके अलावा राजस्थान सीएचओ का लाइव विद सेफ बैच और यूपी का एग्जाम की अभी जो आई है वेस्ट बंगाल के एग्जाम में 4,999 का कोर्स अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज 2,499 अवेलेबल बेटा और हैंड रिटर्न नोट्स 2,499 विद कुरियर चार्ज आपका। जैसे नॉर्थ इंडिया में लगभग 3500 रुपये के पड़ते हैं और साउथ इंडिया में लगभग 4,000 रुपये के पड़ते हैं ये नोट्स। होम डिलीवरी हो जाएगी, आपके घर तक आ जाएंगे। ये ऑफलाइन के कुछ मनोरम दृश्य हैं। हाल ही बेटा 7,000 से ज़्यादा लोग क्वालिफाइड हुए नोट सेट 2022 में, उनमें 2,200 से ज़्यादा फाइनल जॉइनिंग मिली है। ये टॉपर्स है बेटा, 7वीं, 26वीं, 34वीं, 36वीं, 42वीं, 62वीं, 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 62वीं,
के स्वागत की कुछ तस्वीरें हैं जो लोग यहाँ विजिट करते हैं। चलिएगा क्लासेस की शुरुआत करते बेटा, और मेहनत कीजिएगा कि बाजार में क्या कुछ मूंगफलियों के आ जाने से बादाम के भाव कम नहीं होते। ये बात सही है कि नहीं है? तो कई बार तुम्हारे एक दो नंबर के आ जाए, कम आ जाए, तो अपने आप को कमता नहीं आंकना। अगर आप बादाम है ना तो मूंगफली आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती, ये बात ध्यान रखना। आरी बात सुन, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले बेटा, इस टॉपिक का नाम रहेगा बेटा सिकल सेल एनीमिया। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? सिकल सेल एनीमिया, या इसी को अपन बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा सिकल सेल SCA, सिकल सेल एनीमिया, या इसी को बोलते हैं अपन सिकल सेल डिजीज। क्या बोलते हैं? सिकल सेल डिजीज, एक ही बात, सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं? सिकल का मतलब हसियाकार कोशिका अल्प रक्तता या अरक्तता, अल्प रक्तता, वो जबरदस्त नाम है इसका, हसियाकार कोशिका अल्प रक्तता, सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है?
टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉरसेट हो चाहे सीएचओ हो या किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेना, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेगा। तो सीधा एक नंबर की तैयारी कर रहे हैं अपन आज यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया की अगर अपन बात करें बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुरुआत करते हैं। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे कौन सा डिसऑर्डर है ये? कारण सीधी बात, नो बकवास, कैसा प्रॉब्लम है? ऑटोसोम, ऑटोसोम कितने होते हैं? अरे 1 से 44 जो होते हैं ना, या 1 to 22 पेयर, 1 से जो 22 पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम। और जो 23वां पेयर होता है या 45-46 वाले नंबर के जो क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, और उसके अलावा सारे कौन है? तो यहां जो गड़बड़ होती है वो किसमें होती है? ऑटोसोम। गड़बड़ कहां होती है? क्लियर है? और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और यहां पे जो गड़बड़ होती है उसके लिए जो जिम्मेदार क्रोमोसोम है वो 11 क्रोमोसोम। यहां गड़बड़ किसमें होती है? 11वें नंबर के क्रोमोसोम में गड़बड़ होती है। 11 नंबर क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है कौन? सिकल सेल एनीमिया। यानी जो गड़बड़ होगी वो कौन से क्रोमोसोम में होगी? 11 नंबर के क्रोमोसोम में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्लियर है? तो अपन बात करें बेटा, वापस अपन बात कर रहे थे, अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिकल सेल डिजीज, SCA या SCD, क्लियर है? हंसियाकार कोशिका अल्परक्ता, क्लियर है? चाहे नॉरसेट का एग्जाम हो चाहे ESIC हो CHO, कम से कम एक नंबर का क्वेश्चन तो यहां से आता ही आता है। अगर अपन इसको डिफाइन करने की बात करें तो जो सिकल सेल एनीमिया ये कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यानी 1 से 44 जो पेयर होते हैं, सॉरी नंबर होते हैं, या पेयर कौन सा? 1 से 22 हुआ, उसमें 11वां बीच में आता है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो किसकी? ऑटोसोम की रिसेसिव डिसऑर्डर। और गड़बड़ किसमें होती है? 11वें क्रोमोसोम। अरे गड़बड़ किसमें होती है? 11 नंबर के क्रोमोसोम में होती है। क्या? अरे बात सुनो, और 11 नंबर क्रोमोसोम पे, अब एक ही क्रोमोसोम पे लाखों जीन होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम ऐसे आपने देखा होगा इमेज, यू ये पेयर में होता है, अब इस पे भी क्या लाखों जीन है। अरे बात सुनो, तो इस पे एक जीन होता बेटा 11p15.9qp जीन। कौन सा जीन? 11p15.9qp जीन, उसमें गड़बड़ होती है। किसमें? इसकी वजह से क्या होगा? पॉइंट म्यूटेशन होगा। किसमें? आरबीसी में। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन क्या बनेगा? एबनॉर्मल बनेगा। को डाउट है? जो सिकल सेल एनीमिया है, अरे बस, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जन्मजात बीमारी है। यानी कोई यहाँ पे जो जिम्मेदार फैक्टर है वो माँ बाप के क्रोमोसोम क्या रहेंगे? जिम्मेदार रहेंगे। उसकी वजह से उसके बच्चों को ट्रांसफर हो सकती है डिजीज। अदर क्लियर और नॉट? आरी बस में आप देखिएगा, जो 11 क्रोमोसोम है उस पे एक जीन होता है 11p15.9qp जीन, इसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन होता है, और इस जीन के म्यूटेशन होने की वजह से हीमोग्लोबिन के अंदर जो है बीटा चेन होती है। कौन सी चेन? उस बीटा चेन में 6ठे नंबर पे क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। उसकी जगह कौन आ जाता है? वेलिन। और इसी की वजह से आरबीसी बाइकोनकेव ना बनके कैसी बनती है? कैसी बन जाती है? सिकल सेल। क्या बन जाती है? तो देखिएगा, अगर मैं इसको डेफिनेशन की बात करूं, सिकल सेल एनीमिया को मैं अगर क्या करूं, सिकल सेल एनीमिया को मैं अगर क्या करूं डिफाइन, तो इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच पॉइंट म्यूटेशन इन जीन, इन विच पॉइंट म्यूटेशन इन जीन रिजल्ट इन 6th नंबर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन इन बीटा चेन ऑफ ग्लोबुलिन इन हीमोग्लोबिन इन किसमें? आरबीसी में। तो पहली बात तो ये बीमारी किसकी है? आरबीसी की। आरबीसी में भी किसकी प्रॉब्लम है? हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन में भी कौन सी चेन जिम्मेदार है? बीटा चेन। और बीटा चेन पे क्या होता है? 6ठे नंबर पे क्या होता है? उसकी जगह कौन आ जाता है? वेलिन। इसकी वजह से आरबीसी कैसी हो जाएगी? बिकम कैसी? सिकल सेप। सिक्स नंबर का सो क्या? आरबीसी इज बिकम
सिकल सेल, इसकी वजह से आरबीसी कैसी हो जाएगी, सिकल सेफ हो जाएगी। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको इसको वापस डिटेल में समझाऊंगा। एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिएगा फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले आगे देखिएगा, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, पहली बात तो है। तो क्रोमसोम जिम्मेदार कौन सा, 11 क्रोमसोम, 11 क्रोमसोम में कौन सा, 11p 15.9 15.9 क्यूपी जीन जिम्मेदार रहता है आपका, उसमें पॉइंट म्यूटेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी आरबीसी है, सारी आरबीसी है, उन आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में कौन सी चेन होती है, अल्फा और बीटा दोनों होती है। तो बीटा चेन के अंदर जो छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होता है उसको कौन रिप्लेस करता है, क्लियर। तो यहां पे जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा होगा, एचबीएस टाइप का। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा होता है, एचबीए, यहां पे कैसा होगा, एचबीएस। अब इसको समझिएगा क्या करना चाह रहा है, देखिएगा अपन कह रहे हैं कि जो आपकी आरबीसी है, अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आरबीसी का जो 35% हिस्सा है वो किससे बना हुआ है, हीमोग्लोबिन में, और नॉर्मल जो है उसको किससे डिनोट करते हैं, एचबीएस। अपना जो अपन नॉर्मल, अभी मैं सिकल सेल एनीमिया नहीं पढ़ा रहा हूं, नॉर्मल देखिएगा क्या पैथोफिजियोलॉजी है, नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है, एचबीए। नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है, एचबीए आपका, और टोटल कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है, 35% प्लस माइनस 3%, क्लियर बच्चों, आरे पास में। और इसमें और 62.5% इसे में क्या होता है, वाटर एक आरबीसी में, और लगभग 2.5% क्या होता है, अदर्स। इस अदर्स में ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजें होगी कि नहीं होगी, हैं, ये सारी की सारी चीजें होगी कि नहीं होगी, सारी चीजें होगी। इनमें से काम की चीज कौन है, हीमोग्लोबिन, और अपन अडल्ट हीमोग्लोबिन बात करें तो आरबीसी में मेन चीज क्या है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, किसके द्वारा, हीम प्लस ग्लोबुलिन। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, तो हीमोग्लोबिन में क्या होती है, ग्लोबुलिन चेन होती है, और ग्लोबुलिन की कितनी चार होती है, चार चेन, और ग्लोबुलिन आपको पता है प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से, प्रोटीन किससे बनते हैं, तो आपका ग्लोबुलिन की जो चार चेन है, उन चार चेन में कौन, दो तो होती है कौन सी, अल्फा चेन, और दो कौन सी होती है, बीटा चेन, दो अल्फा और दो बीटा। एक अल्फा में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 141 अमीनो एसिड, और एक बीटा में 146 अमीनो एसिड। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसी भी आरबीसी, और ऐसा हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है, एचबीए, अडल्ट हीमोग्लोबिन, ये नॉर्मल है। अब जैसे बीटा चेन की दो चेन है, एक में 146 दूसरे में भी 146, वैसे अल्फा में कितनी है, 141 और 141, दो हो गई। टोटल कितनी चेन होती है ग्लोबुलिन की, चार चेन। अब जो 146 अमीनो एसिड है, जो बीटा चेन है आपकी, कौन सी चेन है, बीटा जो चेन है आपकी हीमोग्लोबिन की, ये हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, अरे बात, इसमें ऐसे सीरीज में अमीनो एसिड जैसे वेलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, हिस्टिडीन ऐसे जमे हुए, वैसे छठे नंबर पर कौन है, ग्लूटामिक एसिड, कौन है, फिर लाइसिन, ल्यूसीन ऐसे जमे होंगे अमीनो एसिड, 20 के 20 अमीनो एसिड ऐसे सीरीज में जमे हुए, ये नॉर्मल है, क्या है। अब जब तक आपका क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ नहीं होगी तो ऐसे बनेंगे, जितनी भी आरबीसी है बॉडी में, करोड़ों आरबीसी, उन करोड़ों आरबीसी में अरबों क्या है, हीमोग्लोबिन है, उन सब हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठे नंबर पे क्या होता है, हर आरबीसी में। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, सिकल सेल डिजीज में क्या होगा, 11वें क्रोमोसोम में गड़बड़ होगी। अरे कौन से क्रोमोसोम में, और 11वें में गड़बड़ होगी तो बस कुछ नहीं होगा, एक पॉइंट म्यूटेशन होगा, क्या होगा, इस छठे नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह कौन आ जाएगा, वेलिन, बस यही होगा। नॉर्मली आरबीसी कैसी बन रही थी, बाइकॉनकेव, या कैसी बन रही थी बालको, डिस्क शेप, बाइकॉनकेव या डिस्क शेप, लेकिन यहां 11वें क्रोमोसोम में गड़बड़ होने की वजह से पॉइंट म्यूटेशन होगा, छठे नंबर पे जो ग्लूटामिक एसिड है उसको रिप्लेस कौन करेगा, यानी ये हट जाएगा और उसकी जगह क्या होगा, वेलिन। तो यहां पे छठे नंबर पे कौन आ जाएगा, वेलिन, उसकी वजह से आरबीसी का जो अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा होगा, सिकल, सिकल मतलब वाले, और ऐसा हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है, एचबीएस, सिकल सेल एनीमिया। अब आरबीसी यू बनेगी, सिकल सेप आरबीसी। अरे कैसी आरबीसी, तो यहां आरबीसी कैसी बनेगी, सिकल सेल, किसमें, सिकल सेल एनीमिया।
अब प्रॉब्लम ही होगी। अब आप कह रहे हो कि सर सिकल सेल आरबीसी बन रही है, सारी आरबीसी कैसी हो रही है सिकल सेल पर, तो आपको क्या नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। नॉर्मली ब्लड वसल्स ये है आपका, ये ब्लड है, ये लो साहब ब्लड है। अब तक आरबीसी कैसी थी? अरे भाई कौन क्या थी? तो ये आसानी से क्या होती, फिसल फिसल के निकल रही थी, लेकिन आरबीसी अब कैसी हो गई है? सिकल सेल ब्लड में। तो ये आरबीसी आपस में क्या होगी? चिपकेगी, जटा पोटेंशियल कम होगा इन्फ्लामेशन की वजह से, और क्या बना लेगी? क्लोट बनाएगी। क्या बनाएगी? थ्रोम्बस बनाएगी, और थ्रोम्बस बनाएगी तो ब्लड सप्लाई क्या होगी? बाधित होगी, आपकी प्रिवेंट होगी, बीमारी क्या कहलाती है? सिकल सेल एनीमिया। दूसरा, आरबीसी कैसी है? एबनॉर्मल है। नॉर्मली आरबीसी कैसी होनी चाहिए? बाइकॉनकेव और डिस्क शेप, लेकिन ये आरबीसी कैसी होगी है? एबनॉर्मल। उसकी वजह से आरबीसी का क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। बीमारी क्या कहलाती है? सिकल सेल डिजीज। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलो भाई, चले आगे, यहां तक देखिएगा फिर आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड आपका सिकल सेल, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा और आरबीसी कैसी हो जाएगी? सिकल सेल। अब देखिएगा फिर क्या बात करें आप, चलिएगा, तो आरबीसी कैसी होगी? सिकल सेप होगी। क्लियर है? अब तुम कहोगे सर सारी की सारी आरबीसी सिकल हो जाएगी, तो नहीं, सारी होगी तो तुरंत मर जाएगा। लगभग 50% के आसपास आरबीसी क्या होती है? सिकल। कितनी आरबीसी? 50% आरबीसी आर सिकल। कितनी? 100% होगी तो सारी टूट जाएगी, मर जाएगा आदमी ऑक्सीजन की कमी होगी, पर ऐसा थोड़ी होता है। 50% एंड 50% नॉर्मल रहेगी। क्या रहेगी? नॉर्मल। इसलिए ऐसा पर्सन लगभग 40-60 years तक क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। कितने साल तक? 40-60 साल। कोई डाउट है बच्चों? चलेगा आगे बढ़े। अब होगा क्या इसमें? कुल मिला के फाइनली कंक्लूजन क्या होगा? ब्लड है, ब्लड में क्या हो गया आपका जो आरबीसी है वो फाइनली कैसी हो गई है? सिकल सेप। आरबीसी क्या हो रही है? सिकल सेप आरबीसी हो रही है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अरे कौन सा? 11 क्रोमसोम में गड़बड़ हो रही है, और उसमें क्या हो रहा है? 6 नंबर पे कौन है? उसको रिप्लेस किसने किया? वेलिन ने रिप्लेस कर दिया साहब। इसी की वजह से हीमोग्लोबिन कैसा हो गया? सिकल सेप। हंसी आकार कैसा? तो जो आरबीसी बनेगी वो कैसी बनेगी? सिकल सेप आरबीसी। अब प्रैक्टिकली सोचो, मेरी बात सुन रहे हो? प्रैक्टिकली तुम सोचो, और ज्यादातर नहीं होगा, 100% नहीं होगा। 100% होगा तो सारी आरबीसी सिकल सेप हो जाएगी, तो आदमी तुरंत मर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। 50% आरबीसी अभी भी क्या है? नॉर्मल है। फिर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है, 50% भी और क्या होगी? सिकल सेप बदल जाएगी, फिर ऑक्सीजन मिलेगा तो वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो 50% नॉर्मल वाली उन पर भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ये तो सिकल सेप है ही। तो ऐसे आदमी 40-60 साल तक जिंदा रह सकते हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करे तो। अरे बस में सिकल सेक आरबीसी। क्लियर बच्चों? साइन जो सिम्टम प्रकट होना शुरू होते हैं वो 6 मंथ ऑफ एज, वो तो जन्मजात बीमारी है ना यार, क्रोमोसोमल तो जन्म से लगती है, पर जो साइन सिम्टम प्रकट होते हैं वो कब होते हैं? क्योंकि अडल्ट हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम, तब तक कौन सा रहता है? HbF। अरे 6 महीने तक कौन सा रहता है? फीटल हीमोग्लोबिन। कौन सा हीमोग्लोबिन? अडल्ट रिप्लेस होता है 4 महीने बाद, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। इसलिए 4-6 महीने बाद में टेस्ट या साइन सिम्टम आना शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में पता नहीं चलता 4-6 महीने तक, बच्चा जब पैदा होता है 4-6 महीने का होता है तब, आपका जो इन्फेंट एज होती है। क्लियर है? और इसकी जो पीक एज होती है वो आपका 10-15 साल तक। पीक एज कब होती है? 10-15 साल पर इसका पीक टाइम होता है, इस दौरान ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेशेंट। समझ रहे मेरी बात? तो साइन सिम्टम 6 साल पे आपका है, 6 मंथ ऑफ। क्लियर है? आरबीसी कैसी होगी? सिकल एंड सेप। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। अरे बोलो भाई, चले आगे। अब तो साइन सिम्टम क्या होंगे? आरबीसीज बिकम क्या क्या होगी यहां पे? सिकल इन सेप। आरबीसीज क्या हो रही है बालको? सिकल सेप में जा रही है। किस सेप में जा रही है? और आरबीसी सिकल सेप में जाएगी। नॉर्मल कैसी होती है? अरे बस HbS हो रहा है यहां पे। किसे डिनोट करोगे? कैपिटल H, स्मॉल b, HbS, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, इसको अपन ये बोलते हैं सिकल सेल डिजीज, HbS। क्लियर है? हरिवास में तो इसका दूसरा नाम HbS भी है, यहाँ जो मैंने नाम लिखा ना आपको सिकल सेल एनीमिया में, इसको अपन HbS से भी नोट करते हैं। किससे? HbS। अब आरबीसी कैसी हो रही है? बिकम सिकल इन सेप।
आरबीसी क्या हो रही है, सिकल इन सेप। अब आरबीसी सिकल इन सेप हो रही है, ये मान लीजिए तुम्हारा ब्लड है, आरबीसी यू सिकल सेप हो रही है, तो आरबीसी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी कि नहीं होगी, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ क्या आरबीसीज ड्यू टू किसकी वजह से, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसा हो गया, सिकल सेप में हो गया, सेल नहीं सिकल सेप, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस सेप में है, सिकल सेप में, इसकी वजह से क्या होगा O2 कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी आरबीसी की, कम हो जाएगी। अब फिर पंगा हो गया, क्या हो गया, पंगा हो गया, अब कम हो गया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो साइनोसिस होगा कि नहीं होगा ये बताओ, तो मरीज में साइन सिम्टम क्या आएंगे, साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब ब्लूस डिसकलरेशन ऑफ स्किन एंड माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो आपकी स्किन है वो ब्लूस डिसकलरेशन होगी, क्यों साइनोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि आरबीसी कैसी हो रही है, सिकल सेप, तो हीमोग्लोबिन नॉर्मली कैसा होगा, बाइकॉनकेव डिस्क आरबीसी होगी, तब तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, लेकिन आरबीसी का हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, एबनॉर्मल, आरबीसी पूरी एबनॉर्मल हो रही, तो कहीं ना कहीं उसकी जो संयोजकता है ऑक्सीजन से जुड़ने की हीमोग्लोबिन की वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, और आरबीसी किस सेप में आ जाएगी, सिकल सेप। इज इट क्लियर और नॉट, तो आरबीसी साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो थकान होगी कि नहीं होगी ये बता दो, है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो क्या होगा, फटीग होगी कि नहीं होगी, वीकनेस होगी कि नहीं होगी बेटा, लेथार्जी बेचैनी वगैरह होगी कि नहीं होगी, इरिटेशन होगा कि नहीं होगा ये बताओ, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्रेन को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन कम, थोड़ी देर ऑक्सीजन नहीं मिले आपका नाक भीजले कितना इरिटेट हो जाते हो आप, अरे समझ रहे मेरी बात, इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर बच्चों। अब इसका और क्या होगा, साइनोसिस होगा, अरे बस में ये आपका ब्लड है, ब्लड में पहले से क्या है, साइनोसिस है, ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी, फिर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आरबीसी और क्या होगी, खुद आरबीसी को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना यार, खुद आरबीसी को भी चाहिए ऑक्सीजन, अब एक तो आरबीसी ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, फिर आरबीसी कोशिश करेगी ऑक्सीजन कैरी करने की, लेकिन खुद आरबीसी को क्या नहीं मिलेगा, तो आरबीसी मोर एंड मोर सिकल, और क्या होगी, मोर सिकल होगी कि नहीं होगी, क्लियर है, क्योंकि क्या डिक्रीज O2 के जिम्मेदार कारण क्या है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आरबीसी और ज्यादा क्या होगी, सिकल होगी। सोले नींद आ रही क्या, उड़ो नींद, तो आरबीसी और क्या होगी, मोर एंड मोर क्या होगी, सिकल, ठंडी रोटी खा के आ जाते हैं आप बच्चे, नहीं तो आरबीसी मोर एंड मोर सिकल, O2 क्या होगा आपका, ऑक्सीजन ब्लड में क्या होगा, कम होगा, इज इट क्लियर और नॉट, चले आगे नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा बच्चों, आरबीसी और सिकल होगी तो फर्दर क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसकी वजह से बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ग्लाइकोलाइसिस होगा बॉडी में, एनोरबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, और आपकी बॉडी में जैसे एनोरबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और नाम से पता एसिड होगा तो पेन होगा या नहीं होगा, तो जो नेक्स्ट जो सिम्टम आएगा वो क्या होगा, पेन, ये पेन कहां हो सकता है, अर्थ्रालजिया हो सकता है, हिप पेन हो सकता है, क्लियर, चेस्ट पेन हो सकता है, फिंगर पेन हो सकता है, जो ऑर्गन काम में लोगे वही पेन होने लग जाएगा, अरे समझ रहे हैं, तो मेन जो क्लासिकल जो सिम्टम रहेगा वो क्या रहेगा, पेन, किसमें, क्यों, क्योंकि आरबीसी की सेप में है, सिकल सेप में, कारण क्या है कि पॉइंट म्यूटेशन हुआ था, साहब छठे नंबर पे जो ग्लूटामिक एसिड उसको रिप्लेस कर दिया किसने, तो हीमोग्लोबिन बाइकॉनकेव ना बन के आरबीसी कैसे बन गई, सिकल सेप, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम, कौन सा ग्लाइकोलाइसिस हुआ, एनोरबिक, उसकी वजह से ऑक्सीजन की क्या हुई बॉडी में, कमी, और ऑक्सीजन की कमी हुई तो एनोरबिक ग्लाइकोलाइसिस, और क्या बना, लैक्टिक, और नाम से पता लैक्टिक एसिड क्या करेगा, पेन करेगा, इसमें कुछ गलत है, अरे बोलो भाई, चले आगे, यहां तक डाउट, तो जॉइंट पेन होगा, पेन पूरी बॉडी में होगा, जो ऑर्गन काम आएगा, जैसे जॉइंट चलाए आपने, पैर चलाए, क्या चलाए, पैर चलाए, तो जैसे ही पैर चलाए क्या होगा,
पैर को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आरबीसी कैसी है, सिकल सेल, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जॉइंट में क्या होगा, पेन। सांस लिया आपने, चले तो सांस ली आपने, चेस्ट को ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होगी, आ रही बात में। उंगलियों को काम में लिया, उंगलियों में दर्द होगा, अभी पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो जो मेन प्रॉब्लम वो क्या होगी, पेन। और जैसे जैसे आप काम करते जाओगे पेन और क्या होगा, बढ़ेगा। रेस्ट करोगे, ऑक्सीजन लोगे तो क्या हो जाएगा, काम। तो जो पेन है वो क्लासिकल साइन सिम्टम है, किसमें मेन, इसको आपको टारगेट रखना है, इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मैनेजमेंट की सीरीज में। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ते हैं। चले आगे, नेक्स्ट। अब पेन जो होगा उसकी वजह से कई तरह के सिंड्रोम होंगे। पहला, सबसे पहले चेस्ट सिंड्रोम होगा। अरे क्या होगा, चेस्ट सिंड्रोम। ऑक्सीजन की कमी पूरी बॉडी में हो रही है, आदमी बैठा है मान लो सिटिंग पोजिशन में, तो अभी सांस तो ले ही रहा है, सांस ले रहा तो चेस्ट का क्या हो रहा है, मूवमेंट, तो चेस्ट को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। या आरबीसी कैसी, सिकल सेल, तो बॉडी में किसकी हो रही है, साइनोसिस हो रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, चेस्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो चेस्ट में पेन होगा। तीन सिम्टम आएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, साइनोसिस हो रहा है, अरे डिजनी हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके अलावा हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो जिया धग धग करने लगा, बीमारी कौन सी, पाल्पिटेशन, क्लियर, डिजनिया, पाल्पिटेशन, और पेशेंट को क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगा, अरे बस में, ये आपके लंग्स वाला एरिया है, क्लियर है। अब यहां पे ऑक्सीजन तो खूब आ रही है, लेकिन एलुलाई को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ब्लडी पहुंचाता है जिंदा रहने के लिए, बॉडी को ऑक्सीजन, चेस्ट को, हार्ट को कौन पकड़ाता, ब्लडी। अब ब्लड में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, क्यों, बाहर से इन्वायरमेंट से यहां सांस लेने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें, अंदर जो आपका इंटरनल जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कैसा हो गया, बेकार, क्योंकि सिकलिंग हो गई आरबीसी की, हीमोग्लोबिन बराबर क्या नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा, इसलिए आपके चेस्ट को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एनोरेबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, और चेस्ट में क्या होगा, पेन। ओनली चेस्ट पेन नहीं होगा, उसकी वजह से सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ, और पेशेंट को पाल्पिटेशन। व्हाट इज द डिजनिया, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, या बेटर वर्ड है बेटा, ब्रीथिंग अंडर कॉन्शियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली आप सांस लेते हो आपको फील होता है क्या, है, अरे बोलो भाई, आपको ज्यादा फील नहीं होता, आप इनवॉलंटरी, आपका मतलब माइंड में पैसिव फॉर्म में लेते हैं, आपको फील नहीं होता, चल रहा आप उसको, मतलब आपके माइंड में नहीं आता कि मेरी सांसें आ रही है, लेकिन आप सीढ़ी चढ़ के आओ, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी चढ़ के आए आप तीसरे फ्लोर पे, सांसें उखड़ के कहाँ आ जाती है, यहाँ तक। तो ये क्या है, डिजनिया है। अगर आपकी सांसें क्या हो जाए, आपके कॉन्शियस में आपको फील होने लग जाएगी, मेरी सांस क्या चल रही है, तेज चल रही है, आरी बस में, क्या कहलाता है, डिजनिया। अरे को डाउट, अब किसी को पूछा कि डिजनिया, अरे बस में डिजनिया हो रहा है तो क्या करा, तो बाबा जी ने कहा कि सांस को अंदर बाहर करें, क्लियर। शाम को बाबा जी ने आके देखा तो अपनी सासू माँ को घर से कभी अंदर भेज रही, कभी बाहर भेज रही, मैंने पूछा कर क्या रही है, तो बोला कि बाबा जी ने बोलता है कि सांस को अंदर बाहर करें, अरे कोई डाउट है, क्लियर है, अरे बात में। अब वो एक सरदार जी थे, अपनी बीवी को कूट रहे थे जबरदस्त, अरे बात में, बीवी को जबरदस्त कूट रहे थे, मैंने पूछा भाई कूट क्यों रहा, दिन दाड़े हो क्या, गया तेरे, बोला डॉक्टर बोला दवाई देने से पहले अच्छे से कूट ले, अरे बात में, तो बीवी को ही कूट रहा है, उसको मौका मिल गया, अरे बात में, मेडिसिन कूटने के लिए बोला था। तो ब्रीथिंग अंडर कॉन्शियस आना क्या कहलाता है, डिजनिया। एक होता है पाल्पिटेशन, क्या चीज, पाल्पिटेशन का मतलब हार्ट रेट अंडर कॉन्शियस, और यहाँ हार्ट रेट कितने से ज्यादा रहेगी, 100 बीट पर मिनट से। टेकीकार्डिया होगा कि नहीं होगा, टेकीकार्डिया और पाल्पिटेशन में अंतर क्या है, हार्ट रेट 100 से ऊपर रहती है टेकीकार्डिया में, और पाल्पिटेशन में भी रहती है, लेकिन टेकीकार्डिया में हार्ट रेट बढ़ती है तो आपको फील नहीं होता कि हार्ट रेट बढ़ी हुई है, आपके माइंड में कॉन्शियस में नहीं आता है, लेकिन आपका पाल्पिटेशन, सड़न कुत्ता पीछे भागे तो आपका जिया धग धग निकल गया, कलेजा यहाँ निकल गया, मुंह से आ जाता कि नहीं बाहर, जिया धग धग करने लगा, बीमारी क्या, दोनों में हार्ट रेट क्या रहेगी, 100 से ऊपर, लेकिन यहाँ आपको खुद को कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा कि यार हार्ट क्या चल रहा है, बीट कर रहा है, तेजी से चल रहा है, इज इट क्लियर और नॉट, अरे बोलो भाई। तो टेकीकार्डिया होगा, चेस्ट सिंड्रोम कहलाता है, कौन सा सिंड्रोम, फिर इससे फर्दर साइनोसिस बढ़ेगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, मेंटल इरिटेशन होगा, नहीं होगा दर्द के मारे, अरे बोलो भाई, यहाँ तक देखिएगा। नेक्स्ट, हैंड एंड फिट सिंड्रोम, अरे कौन सा सिंड्रोम बालको, हैंड एंड फिट सिंड्रोम क्या होगा, क्लियर है, फिंगर्स पेन होगा कि नहीं होगा ये बताओ, वेन यूज फिंगर,
और सबसे ज्यादा कौन सी फिंगर में? डिजिटल फिंगर में। जैसे आप बोलिंग कर रहे हो, खेल रहे हो, उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हो, किसका? उंगलियों का। अब उंगलियों को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? उंगलियों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ये देखिएगा, आपका मेरी चित्रकला कमजोर है तो थोड़ा फीलिंग आना। ये अंगूठा, ये छोटी चुट्टी उंगली, आर्यवासी क्लियर है? आर्यवासी, ये अंगूठा, आर्यवासी, ये चुट्टी उंगली। वो देखा बहुत सारे गिटार वाले, ओ ये याद आ रहा है? यार तो ये उंगलियां काम कर रही है, आप गिटार बजा रहे हो, क्लियर है? वो मूवी आई थी ना, कौन सी है? हाँ, रॉक स्टार। चले आगे। तो यहाँ पे क्या, डिजिटल एक्सट्रीमिटीज को क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। अब क्या होगा, सुनना मेरी बात बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सर्दी का मौसम बढ़ा, ठंड पड़ी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्या होगा? या जैसे आप फिंगर को काम कराओगे तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। दूसरा, पेरिफेरल है, डिजिटल पार्ट है, तो कैपिलरीज बहुत छोटी है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो खुद आरबीसी को, यहाँ जो आरबीसी है उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये आरबीसी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? सिकल शेप होगी। और सीवर क्या होगा, फिंगर्स में क्या होगा? पेन। क्या कहलाता है? हैंड एंड फिट सिंड्रोम, उंगलियों और पैरों की उंगलियों, हैंड एंड फिट। डिजिटल फिंगर में पेन विच, आरिबास में विच, वेन, सॉरी वेन यूज फिंगर को, डाउट है बेटा? अब धीरे धीरे क्या होगा, सोसेज शेप फिंगर। अब उंगलियों को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता ना बेटा, तो उंगलियों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग, और जो ड्रम स्टिक फिंगर होती है ना, वैसी फिंगर हो जाती है, ड्रम स्टिक फिंगर। यस, सोसेज शेप, सोसेज का मतलब कबाब। अरे कबाब देखा होगा, मोटा होता ना कबाब, तो कबाब की तरह हड्डी हूँ, ऐसे जो उंगलियां वो मोटी हो जाएगी सूजन की वजह से, सोसेज शेप फिंगर होगी बेटा। किस केस में? सिकल सेल एनीमिया, ऑक्सीजन की कमी से। अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, सोसेज शेप क्या हो जाएगी? फिंगर। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? डेक्टिलाइटिस। इस टर्म को क्या बोलते हैं? डेक्टिलाइटिस का मतलब आपकी जो डिस्टल एक्सट्रीमिटीज है, फिंगर है, उनका क्या होगा? इन्फ्लामेशन, और उसकी वजह से उंगलियां सूज जाएगी। सोसेज शेप फिंगर या ड्रम स्टिक फिंगर क्या कहलाता है? डेक्टिलाइटिस। ऐसे सिम्टम आएंगे किस केस में? सिकल सेल एनीमिया में, हैंड एंड फिट सिंड्रोम। को डाउट है बच्चों? अब कुल मिला के इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीजन की कमी होना, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो आरबीसी खुद और क्या होगी? सिकल। क्लियर है? नेक्स्ट, पर्सन डिहाइड्रेशन में जाएगा नहीं जाएगा ये बता दो तुम मुझे। अबे कमबख्तो, आरबीसी टूट रही है, आरबीसी सिकल शेप हो रही है, तो पेन होगा। आप तुम्हारे दर्द करके देखो, थोड़ी देर में मुंह सूखेगा नहीं सूखेगा? डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगी? सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और फ्लूड का क्या होगा? लॉस। दूसरा, आरबीसी टूटती है तो भी फ्लूड का लॉस होता है, तो पर्सन किस में जाएगा? डिहाइड्रेशन में जाएगा, तो और ऑक्सीजन की क्या होगी? क्यों? क्योंकि आरबीसी और ज्यादा क्या होगी? सिकल है, और जिसकी वजह से रिस्क ऑफ मोर आरबीसी सिकलिंग, और आरबीसी और सिकलिंग होगी तो थ्रोम्बस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर गड़बड़ हो गई। आरबीसी और सिकल होगी तो बिल्कुल चिपक जाएगी आरबीसी। इतने देर क्यों नहीं चिपक रही थी? क्योंकि कैसी थी? बाइकोन के भैया डिस्क शेप, और ऊपर में कौन सा प्रोटीन था? फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन की वजह से क्या नहीं बन पा रही थी? रोलेक्स नहीं बन पा रही थी। आरबीसी का क्या नहीं हो रहा था? रोलेक्स नहीं बन रहा। अब यहां आरबीसी क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी तो खुद आरबीसी और क्या होगी? टेडी। अरे आरबीसी और क्या होगी? टेडी। और टेडी होगी तो ये आपस में फंस जाएगी और क्या बनाएगी? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस बन गया तो और बड़ी दिक्कत है। किसकी दिक्कत है? अब कंबक तो किसकी रिस्क है सबसे ज्यादा? स्ट्रोक की रिस्क है। किसकी? एमआई की रिस्क है। किसकी? कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। क्लियर बच्चों? हिप नेक्रोसिस बताओ होगा कि नहीं होगा? कैसे? दिन भर पेशेंट बैठा रहता है, आप घुमा भी नहीं सकते, खड़ा थोड़े रखोगे, आपने कंप्रेस दिया तो हिप को क्या होगा? अरे हिप वाले रीजन में क्या होगा? कंप्रेस है, पहले ब्लड वेसल्स क्या है? कंप्रेस, और आप प्रेशर डालोगे तो और कंप्रेशन होगा। दूसरी आरबीसी कैसी? सिकल शेप, तो ये आके फंस जाएगी प्रेशर की वजह से। हिप वाले रीजन की जो स्किन है वो क्या होने लग जाएगी? ऐसे सिम्टम आएंगे ना भाई, बीमारी बढ़ती जाएगी अगर क्या नहीं किया? इलाज नहीं किया। इलाज कर दिया तो रिवर्सिबल हो सकती है, थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा, परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं, कंजनाइटिव प्रॉब्लम है, लेकिन आप सिम्टम को ट्रीट कर पाओगे, परमानेंट जड़ से उखाड़ नहीं सकते। अबे समझे नहीं समझे? अरे बोलो भाई। नेक्स्ट, धीरे 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 सिकल शेप आरबीसी क्या करेगी? पल्मोनरी फाइब्रोसिस प्रोड्यूस करेगी बेटा।
अरे क्या करेगी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, धीरे धीरे लंग्स के अंदर जो आपके एलुलाई है उनको फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट करने लग जाएगी, उसमें भी असर पड़ेगा, खुद लंग में ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी, और आरबीसी सिकल से वो जाके जम जाएगी वो। अरे कोई डाउट है? नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, आरबीसी रिस्क ऑफ मोर आरबीसी सिकलिंग, थ्रोम्बस बनेगा, क्लियर है। इसके अलावा और क्या होगा, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी होगा कि नहीं होगा ये बताओ, तुम बता दो भाई। आरबीसी और सिकल होगी तो स्प्लीन इनको क्या करेगा, ब्रिक करेगा। दो कारण है, एक तो खुद आरबीसी को क्या नहीं मिल रही है तो आरबीसी टूटेगी, दूसरा जब आरबीसी सिकल शेप होगी तो एबनॉर्मल आरबीसी है, और एबनॉर्मल आरबीसी का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, आरबीसी का संसार घर कौन है, स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर कौन सी सेल, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल आरईसी, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल फेगोसाइटिक सेल आरबीसी की, आरबीसी को क्या करेगी, डिस्ट्रक्ट करेगी, तो हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसी होगा। तो बताओ हाई सीरम बिलरुबिन लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अरे बिलरुबिन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और बिलरुबिन बढ़ेगा तो कैसे सिम्टम आएंगे, जॉइंडिस। यहां बिलरुबिन एडल्ट की बात हो रही है, अरिबास में, क्लियर, एडल्ट में कितने ज्यादा, 2 mg/dL से ज्यादा क्या सीरम बिलरुबिन जॉइंडिस कहलाता है, और चिल्ड्रन में कितना, 5 mg/dL से ज्यादा जॉइंडिस कहलाता है। तो पर्सन को जॉइंडिस होगा नहीं होगा, आरबीसी टूटने से है, अरे बस इंक्रीज बिलरुबिन तो जॉइंडिस के सिम्टम आएंगे, क्लियर। और जॉइंडिस जो है बेटा बेस्ट डिटेक्ट कहां पे, जॉइंडिस देखना तो सबसे बेस्ट साइट है स्क्लेरा। अगर किसी पर्सन में जॉइंडिस देखना तो सबसे बढ़िया साइट क्या है, स्क्लेरा। अगर क्लियर हो ना, कोई डाउट है? अरे सबसे फर्स्ट जॉइंडिस अपीयर कहां होता है, सबसे पहले अपीयर होता है फेस। अगर किसी को पीलिया होता है जॉइंडिस तो चेहरा पीला पड़ता है सबसे पहले, बट कंफर्म कहां पे, स्क्लेरा। अगर पीला पड़ गया तो कंफर्म आने, क्योंकि स्क्लेरा के अंदर फाइब्रिलिन प्रोटीन होता है, वो वाइट कलर का प्रोटीन, और ये बिलरुबिन को बाइंड कर लेता है, जब बिलरुबिन बढ़ेगा तभी बाइंड करता है, क्लियर। और अगर कैसा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डार्क पीपल, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, काला आदमी है, अरे असाइनमेंट्स है, तो उस स्थिति में क्या होगा बेटा, फिर आप आंखें तो वैसे अजीब सी होती काले आदमी की, तो यहां पे क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप हार्ड पैलेट पे देखोगे, तुम काले नहीं हो बेटा, तुम तो सांवले हो, सांवले आरिवास में, तुम सही है, क्लियर बच्चों। इसके अलावा और पेशेंट को बिलरुबिन बढ़ेगा, पेन होगा, तो ड्राई माउथ ड्राई टंग होगी कि नहीं होगी ये बताओ, डिहाइड्रेशन की वजह से, और धीरे धीरे बाल को ओलिगो यूरिया होगा कि नहीं होगा, ये बेटा किडनी में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, धीरे धीरे बिलरुबिन बढ़ेगा तो किडनी में भी क्या बढ़ेगा, लोड, डिहाइड्रेशन हो रहा तो ओलिगो यूरिया फिर किडनी में लोड बढ़ेगा। नेक्स्ट बाल को वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्प्लीनोमिगेली एंड हेपेटोमिगेली होगी कि नहीं होगी ये बता दो। अबे कमबख्तों, आरबीसी मोर एंड मोर सिकल, आरबीसी का एक्सेसिव क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन होगा तो स्प्लीन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और स्प्लीन ज्यादा काम करेगा तो स्प्लीन सूज जाएगा, तो स्प्लीन का एनलार्जमेंट क्या कहलाएगा, स्प्लीनोमिगेली। और आपको पता कि स्प्लीन ज्यादा काम करेगा तो बिलरुबिन ज्यादा बनेगा, इस बिलरुबिन को बाहर निकालने का काम किसका है, लीवर का, लीवर में एनलार्जमेंट होगा या नहीं होगा, लीवर पे लोड पड़ जाएगा बिलरुबिन बढ़ने से, तो स्प्लीनोमिगेली और क्या होगा, हेपेटोमिगेली। यहां तक कोई डाउट है? चले आगे बच्चों, और क्या होगा, हेपेटोमिगेली सेफलोमिगेली होगी, क्लियर है। नेक्स्ट, वीक इम्यूनिटी होगी कि नहीं होगी, इम्यूनिटी वीक होने का कारण है बाल को क्या, अबे कमबख्तों, ओटू क्या हो रही है, कम, तो डिफेंस आपका कमजोर होगा, और वीक इम्यूनिटी की रिस्क है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आएगा नहीं है, और अगर इन्फेक्शन की रिस्क हो गई तो फीवर आएगा नहीं आएगा, तो मरीज को क्या रहता है, यहाँ पे फीवर भी रहता है। इम्यूनिटी क्यों हो रही कम, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कमसेट हो रही, तो बॉडी के ऑर्गन क्या होंगे, डैमेज होंगे, एवस्कुलर नेक्रोसिस होगा आपका, हिप वगैरह की मसल्स नेक्रोस होगी, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन बढ़ने का क्या होगा, खतरा होगा, क्लियर। और फीवर आने लगा, फीवर आ गया तो वही टिकिकार्डिया होगा, परस्पिरेशन होगा, पसीने पसीने आएंगे पेशेंट को, वीक इम्यूनिटी हो जाएगी आपकी। और बताइए क्या देखने मिलेगा, हेमाचूरिया की रिस्क है भाई, भाई कमबख्तों, आरबीसी कैसी है, सिकल शेप, बिलरुबिन बढ़ा हुआ है, किडनी को भी, और डिहाइड्रेशन हो रही है बॉडी, तो किडनी में कौन जाके जमेगा, नेफ्रो में जाके कौन जम जाएंगे, ग्लोमेरुलस में, एबनॉर्मल शेप की आरबीसी, और वहां से ग्लोमेरुलस को क्या करेगी, डैमेज, तो किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू क्या लॉस होगा, दूसरा डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन में किडनी में क्या होगा, हाइपोवोल्मिक शॉक में जाएगी किडनी, वहां पे आपके नेफ्रॉन्स क्या होंगे, डैमेज, और हेमाचूरिया हो सकता है,
को डाउट था हमें चुरिया हो सकता है। नेक्स्ट बेटा प्राइपरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस इरेक्ट होगा। अब देखिएगा किसी पर्सन का जो भाई कोइटस ऑर्गन है कौन, पेनिस, पेनिस इरेक्ट होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा चाहिए उसको, क्या ज्यादा चाहिए, लेकिन आरबीसी कैसी है, सिकल शेप, तो आरबीसी सिकल शेप है तो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होगी, तो पेनिस तो इरेक्ट होगा लेकिन उसमें इरेक्ट होते समय क्या होगा, पेन होगा, प्राइपरिज्म कहलाता है। तो प्राइपरिज्म आपको देखने को मिल सकता है किस केस में, सिकल सेल एनीमिया में। नेक्स्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट फ्रंटल बोसिंग, क्या चीज, ऑक्सीजन की कमी होगी, एनोरेबिक ग्लाइसोलाइसिस होंगे, ऑर्गन ज्यादा काम करेंगे, तो ये जो फ्रंटल है ये बोसिंग, ये ललाट मोटा हो जाएगा, मोटी खोपड़ी का बच्चा, फ्रंटल बोसिंग, कोई डाउट है, चले आगे। नेक्स्ट फ्रंटल बोसिंग होगी, नेक्स्ट रेटिनोपैथी होगी, अबे ऑक्सीजन की कमी हो तो आपका रेटिना को ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम, और रेटिनोपैथी होगी तो आगे जाके ब्लाइंडनेस हो सकती, नहीं हो सकती है, ब्लाइंडनेस की रिस्क बढ़ जाएगी। फ्रंटल बोसिंग, रेटिनोपैथी, फ्लेट नजल बोन, नाक की बोन जो है वो क्या हो जाएगी, फ्लेट रहेगी, और बताइए। यस, मरीज को क्या होगा बेटा, हाइपर कैलीमिया, कारण ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी ज्यादा टूट रही है तो आरबीसी के अंदर जो कौन सा मिनरल होता है, पोटेशियम, ये पोटेशियम क्या होगा ब्लड में आ जाएगा और हाइपर कैलीमिया होगा, क्लियर है। रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर है कि नहीं ये बताओ, कारण ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, दूसरा ऊपर से हाइपरकैलेमिया हो रहा है, फ्रंटल बोसिंग होगी, रेटिनोपैथी होगी, फ्लेट नजल बोन, हाइपरकैलेमिया, रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, ऐसे सिम्टम आएंगे बॉडी, बॉडी में सिम्टम सपेट में आती जाएगी, अगर इलाज नहीं मिला तो चलती जाएगी, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। अरे बोलो भाई, नेक्स्ट अब तो इन्फेक्शन का खतरा, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है ऑक्सीजन की कमी होने से, और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है, निमोनिया। अगर आपसे पूछे कि सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि एक तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी हो रहा है, आपसे पूछा कि जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया और उनमें रिस्क का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कौन सा होता है, निमोनिया, क्लियर। निमोनिया क्या होता है, फ्लूड एक्यूमुलेशन इन लंग्स पैरेन्काइमा, और लंग्स के पैरेन्काइमा कौन है, पैरेन्काइमा इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एनी ऑर्गन, लंग्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन है, एलोलाई, एलोलाई में पानी भर जाएगा आपका, क्लियर है, और उस इन्फेक्शन डेवलप होगा आपका, इन्फेक्शन की वजह से पानी भर जाएगा। चले आगे, अब तो आरबीसी क्या होगी, है आरबीसी मोर एंड मोर सिकल होगी, और आरबीसी ज्यादा सिकल होगी तो क्या होगा, आरबीसी और सिकल होगी, सिकल होगी तो और क्या प्रॉब्लम होगी, हार्ट फेलियर की रिस्क हाइपरकैल्सीमिया है, फ्लैट नजल बोन है आपकी, रेटिनोपैथी है, फ्रंटल बोसिंग होगी, पेन मेन प्रॉब्लम होगी आपका, पोलीडक्टाइली होगी आपका, सोसेस है फिंगर होंगे, डक्टिलाइटिस देखने को मिलेगा, प्राइपरिज्म देखने को मिलेगा आपको, चेस्ट सिंड्रोम, फुट एंड हैंड सिंड्रोम, एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप, ऐसे सिम्टम आएंगे, बॉडी मल्टीपल चपेट में आएगी, हेपेटोमेगली और स्प्लेनोमेगली होगी, जॉन्डिस के सिम्टम आएंगे, इन्फेक्शन, और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कौन सा होगा, निमोनिया, और क्या होगा, रेटिनोपैथीज हो सकती है, आंखें सब, मेरी पूरी बॉडी का ऑर्गन सब आएंगे क्या, क्योंकि मेन ऑक्सीजन ले जाने वाले ऑर्गन, पर मरेगा नहीं आदमी इतना जल्दी भाई, क्योंकि 50% आरबीसी क्या है, ना तो मरेगा ना जिएगा, ऐसा सीन, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो बीमारियां तो होगी होगी आपकी बॉडी। नेक्स्ट बताओ ईएसआर पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज ईएसआर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि सब तरह के एनीमिया में ईएसआर क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होगी, कम, उसका कारण क्या है, आरबीसी कैसी है, सिकल सेल, तो एक दूसरे में फंस जाएगी और एक दूसरे को किस में, पेंदे में नहीं बैठती, ईएसआर क्या होती है, क्लियर है, सेटल डाउन रेट इन एमएम पर हावर इन बॉटम ऑफ आरबीसी इन ए सैंपल, कोई सैंपल है उसमें आरबीसी डाली, आरबीसी पेंदे पे कितना एमएम बैठती है फर्स्ट आवर में, क्या कहलाती है, ईएसआर, और नॉर्मल ईएसआर कितना है, 10 टू 30 एमएम पर आवर, यहां पे आरबीसी क्या होगी, सिकल शेप, तो एक दूसरे का विरोध करेगी, पेंदे पे नहीं बैठेगी, तो ईएसआर क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, तो ईएसआर कम मिलेगी बेटा, को डाउट है। और जिन लोगों को बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीसी क्या है,
सिकल सेल, आपको पता है मलेरिया जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक वाटर फीवर, मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, अरे बस मलेरिया, इसका मलेरिया के बारे में किसने बताया था, पॉजिटिव एजेंट के बारे में, सर रोनाल्ड रोस, किसने, कोलकाता में उन्होंने एक्सपीरियंस किया, हुगली नदी के किनारे, उन्होंने बताया था, वो अमेरिकन गवर्नर थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नर थे सॉरी, और वो भारत में रहे थे, तब उन्होंने इन्होंने इसके बारे में बताया था, क्लियर है। ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया क्या प्रोड्यूस करता है, मलेरिया, मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है मोस्ट कॉमनली कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन है, वाइवेक्स, क्लियर, और सबसे डेंजर कौन है, प्लाज्मोडियम फाल्सी फेरम। अब आपको बताइए जो प्लाज्मोडियम है वो बेटा किस पे अफेक्ट करता है, आरबीसी में, नॉर्मल आरबीसी पे अटैक करता है प्लाज्मोडियम को, चाहे वाइवेक्स हो, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम हो, प्लाज्मोडियम कैरिनी हो, प्लाज्मोडियम क्या हो, और कौन कौन से होते हैं, ओवेल हो, सारे जितने भी पांच से प्रजाति है उनमें से प्लाज्मोडियम को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, आरबीसी, क्या चाहिए, नॉर्मल आरबीसी हार्बर करने के लिए, और लीवर चाहिए। अब लीवर तो सेकेंडरी बात है, ये हार्बर किस में करते हैं, प्लाज्मोडियम प्रजनन किस में करता है, अरे किस में, आरबीसी में। अब आरबीसी कैसी है, सिकल सेल, तो जिन लोगों को क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, उनको नेवर अकर मलेरिया, उन लोगों को मलेरिया, ये एक फायदा है इसका, उन लोगों को मलेरिया की रिस्क क्या रहती है, कम, क्योंकि आरबीसी कैसी है, सिकल सेल, तो हार्बर नहीं कर पाएगा पैरासाइट, अपना प्रजनन नहीं चला पाएगा, और प्रजनन नहीं चलाएगा तो किसकी रिस्क कम हो जाती है, अरे बोलो भाई, चले आगे, तो सिकल सेल एनीमिया नेवर अकर मलेरिया, को डाउट है, यहाँ तक को डाउट है, तो ये मोटे मोटे सिम्टम, और पूरी बॉडी चपेट में आएगी, कुछ नहीं बचेगा, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये जो सिकल सेल आरबीसी है जाके कहाँ डिपॉजिट होगी, बोन मेरो में, और बोन मेरो डिप्रेस कर देगी, क्या कर देगी, बोन मेरो डिप्रेस होगा तो वो कॉम्प्लिकेशन में आ जाएंगे धीरे धीरे, ब्रेन में जाके स्ट्रोक प्रोड्यूस कर देगी, हार्ट में हार्ट फेलियर प्रोड्यूस कर देगी, अगर इलाज नहीं मिला तो, बिलिरुबिन बढ़ रहा है वो भी आपका लीवर को और किसको, स्प्लीन को डैमेज करेगा, धीरे धीरे मल्टीपल ऑर्गन क्या होंगे, डिफेक्ट होने लग जाएंगे, अबे समझे, पर मेन जो दिक्कत होती है वो किसकी होती है, पेन की, कट आउट। अब वो एक लड़की महिला प्रदर्शनी में गई तो जाके कह रही इतनी गंदी तस्वीर, तो दुकानदार आया, कंबख्ती कांच है, कांच क्या है, नहीं समझे, कांच में अपनी तस्वीर देख ली उसने, डायग्नोस्टिक का एवल्यूशन, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, भगवान बैलेंस बना के रखता है, भगवान क्या करता है, अगर लंबी लड़की गोरी चिट्टी हो और लंबी हो पूरी तो उसके हल्की सी क्या उगा देता है, मूछे, और अगर लड़की ज्यादा ही गोरी तो उसकी हाइट क्या रख देता है, कम, भगवान हमेशा बैलेंस बना के रखता है ताकि लड़ाई झगड़े नहीं हो, देखा नहीं देखा, आर्यवास में डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में अगर बात करें, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, चले आगे, डायग्नोस्टिक इशू में अपन सबसे पहले तो क्या देखोगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल, हिस्ट्री में क्या करेंगे, पेरेंट्स को हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है यार, कि पेरेंट्स को कोई वेरी इंपॉर्टेंट कोई कैरियर तो नहीं है, कोई सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित तो नहीं है, उसको जॉइंटिस तो नहीं है, सोसेस है फिंगर तो नहीं है, पेन तो नहीं होता एक्टिविटी के दौरान, डिहाइड्रेट तो नहीं रहता है, अरे बस नहीं, ये सारे अपन हिस्ट्री एंड फिजिकल। इसके अलावा अपन क्या करा सकते हैं, 11 क्रोमोसोम की प्रॉब्लम अपन क्या करा सकते हैं, कैरियोटाइपिंग, क्या चीज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, 11 क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है ना यार, अपन वहां से पता लगा सकते हैं, कैरियोटाइपिंग करा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि कंफर्म डायग्नोसिस क्या है, सीधी बात, नो बकवास, बताइए, प्लाज्मा फेरेसिस, इसी को अपन क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस। अगर आपने प्लाज्मा फेरेसिस मशीन देखी हो तो आपने देखा होगा एंटीबॉडी उठाने के काम आती है, एक मल्टीपल मकसद जिसमें सारे ब्लड को बाहर निकाल के एंटीबॉडी को बाहर निकालते हैं, एंड इज अ कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ किसका, सिकल सेल एनीमिया, हाशियाकार कोशिका अल्परक्त, कैसे करोगे बताओ इसको, अरे इसमें कुछ नहीं आता है, एक ऐसे आपको क्या करना चाहिए, सबक्लेवियन में जुगलार में क्या डाला तुमने, इंस्ट्रूमेंट डाला, उसको यहाँ अटैच कर देते हैं और मशीन से घुमाते हैं,
तो ये सारा ब्लड बाहर आएगा, और इसमें जो एबनॉर्मल क्या होगी सिकल सेल आरबीसी उसको डिटेक्ट कर लेगा, बाहर निकालते हैं ब्लड को यहाँ से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या प्लाज्मा फोरेसिस, को डाउट है नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा सिकल टर्बिडिटी टेस्ट, इसी को अपन क्या बोलते हैं सिकल डेस्ट टेस्ट, सिकल डेस्ट टेस्ट, सिकल टर्बिडिटी टेस्ट या सिकल डेस्ट टेस्ट। देखिएगा नॉर्मली समझना मेरी बात, क्या कर रहा हूं, ये कोई पात्र है, सुनना मेरी बात, इस पात्र में क्या है नॉर्मल आरबीसी, अरे क्या है, और ये पीछे की तरफ ऐसे कोई रोड रखी हुई है, मतलब ये पीछे रोड रखी हुई है, तुमने किसी पात्र में क्या ली आरबीसी, तुम आगे से झांक के दिखोगे तो आरबीसी का आरपार दिखेगा तुम्हें, उधर का पीछे वाली रोड दिख जाएगी, इसका मतलब आरबीसी सही है, एकदम फ्लूड क्या है क्लियर है, लेकिन आरबीसी कैसी हो जाएगी सिकल सेप, आरबीसी अब कैसे हो गई सिकल सेप, तो ये पीछे वाली रोड दिखाई नहीं देगी क्योंकि मतलब टर्बिड यानी धुंधला दिखेगा ब्लड, तो पीछे जो रोड है वो आपको दिखाई, तो इसको क्या बोलते हैं, नहीं समझे क्या, अरे जैसे ये रोड लगी हुई है पीछे, तुमने आगे की तरफ क्या कोई बीकर लिया ट्रांसपेरेंट, उसमें क्या डाला ब्लड, अगर नॉर्मल आरबीसी है तो आर पार दिखेगा, पीछे की क्या दिखेगी दो रोड काली काली रोड जो भी आपको दिखेगी, लेकिन ब्लड कैसा है, है? इससे समझो आप, ये पानी की बोतल है क्लियर है, अब देखो आर पार लग रहा है, ये मैंने दो उंगलियां करी तो वो भी क्या दिखेगी आर पार, मतलब नॉर्मल ब्लड है, लेकिन आरबीसी कैसी हो गई, तो ये ब्लड क्या हो जाएगा गंदा, तो आपको पीछे की उंगलियां नहीं दिखाई देगी, मतलब वो पीछे की जो रोडे हैं वो दिखाई नहीं देगी, यानी टर्बिड हो गया ब्लड, कैसा हो गया धुंधला, इसे क्या बोलते हैं सिकल टेस्ट, ये गया सिकल टर्बिडिटी टेस्ट। नेक्स्ट ब्लड फिल्म मॉर्फोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड फिल्म मॉर्फोलॉजी BFM क्या बोलते हैं इसको, तो सैंपल किस में जाएगा इसका, EDTA वायल में, कौन सी वायल में, कुछ अरे जो CBC करवाते हैं इतना, इसमें क्या करेंगे ब्लड फिल्म मॉर्फोलॉजी का मतलब आरबीसी को उठाएंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि सिकल सेप है कि ब्लड फिल्म है, वो अपन पिपेट पे ले लेंगे, वो कांच की आती है स्लाइड, उस पर लेके और माइक्रोस्कोप से देख लेंगे ब्लड फिल्म मॉर्फोलॉजी। इसके अलावा ESR कराओगे नहीं कराओगे ये बताओ तुम, और ESR क्या मिलेगा बाल को, डिक्रीज मिलेगा। CBC कराओगे नहीं कराओगे, CBC कराओगे तो आरबीसी टूट जाएगी, तो आरबीसी के नंबर क्या मिलेंगे कम, और थोड़ा इन्फेक्शन होगा तो WBC क्या मिलेगी बड़ी हुई। सही डायग्नोसिस है, सीरम बिलरुबिन लेवल क्या मिलेगा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा, चले आगे ABG एनालिसिस करो, ABG एनालिसिस करोगे तो क्या होगा PCO2 बढ़ा हुआ मिलेगा, PO2 का लेवल क्या मिलेगा कम, और वेरी इंपॉर्टेंट एसिडोसिस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि CO2 बढ़ रही है तो एसिडोसिस होगा मरीज को। चले आगे सीरम पोटेशियम लेवल क्या मिलेगा आपको बढ़ावा मिलेगा, आरबीसी टूट रही है इसलिए हाइपरकैलेमिया हो रहा मरीज को। क्लियर बच्चों, आप CT MRI करो किसकी, अरे किसकी स्प्लीन की और किसकी लीवर की और किसकी लंग्स की, तो बताओ लंग्स में क्या मिलेगा पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लीवर में हेपेटोमेगली, स्प्लीन में कर सकते हो ऑर्गन को देख सकते हो आप। क्लियर बच्चों, इसके अलावा KFT करके देख लो किडनी फेलियर के सिम्टम आएंगे, किडनी डैमेज हो कि नहीं यार, ओलिगोयूरिया हो रहा है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है, बिलिरुबिन बढ़ रहा है वो लोड डालेगा, KFT करके देख लो, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करो लीवर डैमेज मिलेगा आपको, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर लो किसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस को देखने के लिए, तो सारे कन्वेंशन टेस्ट कर सकते हैं आप जो उचित है, ज्यादा और देखना तो CT MRI कर लो, एक्सरे कर लो लंग्स के, पल्मोनरी फाइब्रोसिस को देखना है तो नहीं कुछ भी कर सकते हो जो आपको उचित लगता है। चले आगे बच्चों, तो अपन क्या कर सकते हैं हीमोग्लोबिन प्लाज्मा फेरेसिस कन्फर्म कौन सी रहेगी, इसका पूरा नाम है हीमोग्लोबिन प्लाज्मा फेरेसिस, हीमोग्लोबिन को फिल्टर करेंगे और हीमोग्लोबिन को देखेंगे ये कमबख्त सिकल सेप हुआ कि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा फेरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस बोलते हैं। सिकल टर्बिडिटी टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड फिल्म मॉर्फोलॉजी कर सकते हैं, ESR डिक्रीज मिलेगा, CBC में RBC कम और WBC बड़ी भी मिलेगी, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा रहेगा, ABG एनालिसिस करोगे तो PCO2 बढ़ा हुआ और PCO2 कम होगा,
सीरम पोटेशियम इंक्रीज बनेगा, सीटी एमआरआई आपकी स्प्लीनोमेगली, हिपेटोमेगली और लंग फाइब्रोसिस, इसके अलावा केएफटी एलएफटी और पीएफटी कर सकते हैं। सीरम आयरन ओवरलोड होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अबे कमबख्त, तो आरबीसी टूटेगी नहीं टूटेगी? आरबीसी क्या होगी? टूटेगी। आरबीसी ब्रिक होगी तो, आरबीसी ब्रिक होगी तो इंक्रीज सीरम आयरन लेवल, और इसको क्या बोलते हैं? हेमोसाइडरेसिस। अरे क्या देखने को मिलेगा? हेमोसाइडरेसिस, आयरन ओवरलोड बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर आयरन ओवरलोड बढ़ा बेटा, आयरन ब्लड में बढ़ जाना क्या कहलाता है? हेमोसाइडरेसिस। ये इंक्रीज आयरन ओवरलोड, क्योंकि आरबीसी टूट रही है, आरबीसी से क्या रिलीज होगा? हिम प्लस ग्लोबिन। हिम में कौन है? आयरन। तो ब्लड में आयरन का लेवल बढ़ जाएगा, आरबीसी ज्यादा टूटेगी तो। इंक्रीज आयरन ओवरलोड की वजह से क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज क्या होगी? डिस्ट्रक्ट। अरे कौन सी? ज्यादा आयरन ओवरलोड बढ़ेगा तो जो आपकी पेनक्रियाज की जो बीटा सेल है उनका क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। उसकी वजह से बॉडी में किसकी कमी होगी? इंसुलिन की। और इंसुलिन की कमी होना क्या कहलाता है? कारण कौन है? आयरन बढ़ा, उसने किसको? सेल को डैमेज किया, और बीटा सेल को डैमेज किया तो अपन क्या कह सकते हैं कि ब्रोंज डायबिटीज होगी। ऐसे डायबिटीज क्या कहलाती है? ब्रोंज डायबिटीज मेलिटस। तो इसको साइन सिम्टम में भी लिख सकते हैं आप। साइन सिम्टम में क्या लिखोगे पेशेंट को? यहां पे मैं एक दो चीजें और ऐड कर रहा हूं, आयरन ओवरलोड होगा कि नहीं होगा, और आयरन ओवरलोड होगा तो यूरिन एंड स्टूल कैसे आएंगे? रेड कलर के आएंगे, हैं? और किसकी रिस्क है? ब्रोंज डायबिटीज मेलिटस की रिस्क है कि नहीं है? क्योंकि किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है? आयरन बढ़ने से बीटा सेल का क्या होगा? और बीटा सेल डिस्ट्रक्ट होगी तो क्या होगा, हैं? कौन सा एनीमिया? ब्रोंज। और ब्लड में आयरन का लेवल बढ़ जाना क्या कहलाता है? नॉर्मल सीरम आयरन लेवल बताओ, मेल में और फीमेल में। मेल में 65 से 175 माइक्रोग्राम पर डीएल, और फीमेल में 50 से 150 माइक्रोग्राम पर डीएल। याद आ रहा है? जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन, तो आयरन का ओवरलोड बढ़ जाएगा आपका। चले आगे, एक क्या होता है वैसे? डिहाइड्रेशन होगा तो ओलिगोरिया किडनी डैमेज होगी। कई केसेस में क्या होता है, ये सिकल से आरबीसी किडनी को ऐसा अजीब सा एक्शन करती है ब्रेन पे और किडनी पे, हाइपोस्टिन्यूरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एक साइन सिम्टम और लिखना आप, हाइपोस्टिन्यूरिया। एक्सेसिव डाइल्यूटेड यूरिन। अगर ये सिकल से आरबीसी किसको? ब्रेन के किसको? हाइपोथैलेमस वगैरह में फेट डाले और एडीएच की गड़बड़ी कर दे, और एडीएच में गड़बड़ हो जाएगा तो यूरिन कैसा पास होगा? एडीएच कम हो गया मान लो, तो डाइल्यूटेड यूरिन पास होगा, डायबिटीज इंसिपिडस के सिम्टम आएंगे अगर एडीएच की कमी हुई तो। ऐसे टर्म क्या कहलाती है? हाइपोस्टिन्यूरिया, डायलोटेड एक्सेसिव यूरिन, यानी एकदम पानी पानी सा यूरिन आएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन आएगा। वैसे ओलिगोयूरिया होता है, लेकिन अगर ब्रेन डैमेज होगा तो किसमें चला जाएगा पेशेंट? हाइपोस्टिन्यूरिया। पेशेंट डिहाइड्रेशन में जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा ही होगा पेशेंट को आरबीसी टूटने से। चले आगे, नेक्स्ट। अब ये तो सिम्टम है, अब क्या होता अगर तुमने ज्यादा पेन हो गया और एकदम ऑक्सीजन की कमी हुई तो? एकदम पर्सन किसमें जाएगा? क्राइसिस में। किसमें जाएगा? उस टर्म को क्या बोलता है? सिकल सेल क्राइसिस। तो नेक्स्ट देखिएगा, सिकल सेल क्राइसिस अकर व्हेन आरबीसी मोर एंड मोर सिकल। कब होता है? जब आरबीसी ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? सिकल होती है, तब क्या होता है? सिकल सेल क्राइसिस होता है। इज इट क्लियर और नॉट? आरबीसी और सिकल होगी तो। अभी ये टोटल चार तरह का होता है, देखिएगा। पहला वेसो ओकल्सिव क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनक्लास का भी फेवरेट है ये। एक होता है हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस, तीसरा होता है स्प्लेनिक सिक्वेंट्रेशन, जब्त होना, सिक्वेंट्रेशन का मतलब जब्त करना, और चौथी प्रॉब्लम होती है क्या? एप्लास्टिक क्राइसिस। तो जो क्राइसिस होता है वो टोटल कितने तरह के होते हैं? चार। कब? जब आरबीसी और क्या होगी? सिकल। जैसे
एकदम ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। मान लो किसी पेशेंट को इमोशनली स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल पेशेंट था सिकल सेल एनीमिया का, एकदम उसका सडन चाहने वाले की क्या होगी डेथ, तो इमोशन होगा, ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी बढ़ेगी, लेकिन उस समय ऑक्सीजन की डिमांड की पूर्ति नहीं होगी। मान लो वो जोश में आके कहा पहाड़ पे चढ़ गया, तो पहाड़ पे वैसे ऑक्सीजन की कमी है, ऊपर चढ़ा तो एक्टिविटी तो और ऑक्सीजन की क्या हो गई डिमांड बढ़, तो एकदम ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए और डिमांड पूरी नहीं हो, क्राइसिस कहलाता है। तो यहाँ पे जो सिकल सेल क्राइसिस कब, यानी सिकलिंग और कब ज्यादा होगी, तो चार तरह से, पहला सिकल क्राइसिस में पहला वैसोकल्जिव क्राइसिस होगा, दूसरा हाइपर हिमोलाइटिक, तीसरा स्प्लेनिंग और चौथा एप्लाइक। सबसे डेंजर कौन सा है, क्यों, क्योंकि बोन मेरो का क्या हो रहा है बाल को डिस्ट्रक्शन। अबे बोलो रे, अब सबसे पहले बात करते हैं वैसोकल्जिव क्राइसिस। अरे कौन सा, व्हेन ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज आरबीसी क्या होगी, आरबीसी मोर एंड मोर सिकल, क्लियर है, प्लग इन किसमें, ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या बनेगा थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक हो सकता है कि नहीं हो सकते हैं। अब एक कमबख्त हूं, ये तुम्हारे ब्लड वेसल्स है, इसमें आरबीसी पहले से क्या है, कुछ तो नॉर्मल भी है 50%, तो ऐसा नहीं करें कि सारी खराब है, लेकिन एकदम ऑक्सीजन की क्या हो जाए डिमांड बढ़ जाए, एकदम सडन ऑक्सीजन की डिमांड मिले, चाहे इमोशनल ट्रोमा से पेशेंट पार्ट में चढ़ गया, कोई भी कारण हो, चौकिंग होगी किसी भी कारण से, अरे बस में चलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाएगी नॉर्मल आरबीसी, तो इनको भी ऑक्सीजन की क्या मिलेगी, कमी होगी, तो ये आरबीसी पहले से ऑक्सीजन कम था इनमें, और ऑक्सीजन की क्या होगी कमी होगी, तो ये आरबीसी प्लग और होगी, प्लग जितना जैसा प्लग है और टेडी होगी और सिकल होगी, तो आरबीसी गुच्छा बना लेगी, चिपक जाएगी, और क्या बनेगा थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस बनेगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक की रिस्क है कि नहीं है, कैरोटिड और कोरोनरी में ब्लॉक हो सकता है आपका, इज इट क्लियर ऑन नॉट, यहाँ तक देखो आगे बढ़ते हैं, फिर चले आगे, तो वैसोकल्जिव क्राइसिस व्हेन ओ2 डिमांड इज इंक्रीज, आरबीसी मोर एंड मोर सिकल एंड प्लग इन ब्लड वेसल्स, स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रोड्यूस होगी आपका वैसोकल्जिव क्राइसिस। चले आगे नेक्स्ट, दूसरा हाइपर हिमोलाइटिक क्राइसिस, अरे वही क्या, इंक्रीज ओटू डिमांड, किसकी डिमांड बढ़ेगी, ओटी की डिमांड बढ़ जाएगी, ओटू की जैसे डिमांड बढ़ेगी तो आरबीसीज मोर सिकल, अरे आरबीसीज क्या होगी मोर सिकल, आरबीसीज मोर सिकल होगी तो आरबीसीज मोर एंड मोर एबनॉर्मल, ज्यादा एबनॉर्मल होगी तो ब्रिक बाई स्प्लीन, और स्प्लीन के और टूटेगी तो एनीमिया होगा कि नहीं होगा, और एनीमिया और क्या होगा सीवियर एनीमिया होगा, तो और ऑक्सीजन की क्या होगी कमी, ऐसा क्राइसिस क्या कहलाता है हाइपर हिमोलाइटिक क्राइसिस। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी पूरी नहीं होगी तो स्प्लीन में जाके आरबीसी एबनॉर्मल चिपक जाएगी, वहां जाके स्प्लीन उसको क्या कर देगा तोड़ देगा, तो आरबीसी और टूट के क्या हो जाएगी कम, तो और एनीमिया होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी कम, और ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है क्राइसिस। अरे समझ रहे, समझ रहे, नेक्स्ट तीसरी कंडीशन स्प्लेनिक सिक्विट्रेशन, सिक्विट्रेशन का मतलब जब्त होना, अरे क्या होना, अबे कंबक तो आरबीसी एकदम आरबीसी क्या हो गई है सिकल सेप, एक्सेसिव आरबीसी का क्या हो रहा है सिकलिंग, ड्यू टू डिक्रीज ओ2, डिहाइड्रेशन एंड पेन, ये सभी फैक्टर है, अरे मतलब आरबीसी सिकल सेप हो रही है तो एनोरबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा तो पेन होगा, पेन बढ़ेगा तो सांस तेजी से चलेगी, मुंह सूखेगा तो और डिहाइड्रेशन होगा, और पेन होता तो आपको पता ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने से, तो एक दूसरे को बढ़ाते ना, ये ऑक्सीजन की कमी होना डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है, डिहाइड्रेशन की कमी होना ऑक्सीजन की कमी को बढ़ाता है, डिहाइड्रेशन की कमी होना पेन को बढ़ाता है, ओटू की कमी होना पेन को बढ़ाता है, आपस में मिले हुए हैं और ये सारे फैक्टर एकदम काम करेंगे तो आरबीसी और क्या ज्यादा होगी सिकल, और आरबीसी और ज्यादा स्क्रीन होगी तो जाके किस में फंस जाएगी स्प्लीन में, और स्प्लीन को जब्त कर लेगी, स्प्लीन को ब्लॉक कर देगी, स्प्लीन को नेक्रोस कर देगी, क्या कहलाता है स्प्लेनिक सेक्वेंट्रेशन, एकदम स्क्रीन क्या हो जाएगा बंद, सारी एकदम आरबीसी ज्यादा चलेगी, ज्यादा दे दोगे तो आप जैसे मशीन में आप चारा काटने की मशीन होती है ना, एकदम ज्यादा चारा दे दो तो बंद हो जाती है मशीन, अरे होती कि नहीं, तो ज्यादा एकदम स्प्लीन में क्या चलेगी आरबीसी, तो स्प्लीन क्या हो जाएगा जब्त, कई बार स्प्लीन नेक्रोस हो जाता है, क्या हो जाता है नेक्रोस हो जाता है, कोई डाउट है बच्चों, अरे कोई डाउट है,
4000। मेरे एक स्टूडेंट से बोला कि भाईचारा वर्ड का यूज करते हुए एक वाक्य का निर्माण कर। कौन सा? भाईचारा वर्ड का यूज करते हुए एक वाक्य का निर्माण कर। वो भी बड़ा महान वैज्ञानिक था। उसने कहा कि भाई चारा बहुत महंगा हो गया है, इसलिए मैंने दूध के भाव बढ़ा दिए। नहीं समझे? कल समझ में आएगा। आर्यभाष में स्प्लेनिक सिक्वेंट्रेशन, जब्द होना, एक्सेसिव आरबीसी की सिकलिंग होना ड्यू टू डिक्रीज O2, डिहाइड्रेशन एंड पेन। चले आगे। चौथी कंडीशन क्या होती है? एप्लास्टिक एनीमिया या एप्लास्टिक क्राइसिस। सिकल आरबीसीज डिपॉजिट इन किसके अंदर? बोन मेरो। बोन मेरो डिस्ट्रक्ट होगी तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मेरो। या बोन मेरो डिप्रेशन होगा, और बोन मेरो डिप्रेशन होगा तो पान साइटोपिनिया होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। हाँ, ज्यादा आरबीसी सिकलिंग होगी तो ये सिकल सेप आरबीसी, एक तो खुद बोन मेरो को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन कम करेगी, किसको? आपकी बोन को। दूसरा ये सिकल सेप आरबीसी जाके किसमें फंस जाएगी? जाके है बोन मेरो में, तो और बोन मेरो का क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन होगा तो ना तो डिक्रीज आरबीसी एनीमिया, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी एंड डिक्रीज प्लेटलेट्स, तीनों कम होगी। अब कैसे पता लगाओगे? नॉर्मली सिकल सेल एनीमिया में डब्ल्यूबीसी क्या होती है? बढ़ती है, और प्लेटलेट्स में ज्यादा फर्क है नहीं पड़ता। लेकिन अगर पाने तो तीनों ही क्या हो जाएंगे? कम, तो और बीमारी बढ़ेगी, फिर इन्फेक्शन का खतरा है। भाई डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कम हो रही है, ब्लीडिंग की रिस्क है। किसके रिस्क है? प्लेटलेट कम है तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है, डब्ल्यूबीसी कम हो रही है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, एनीमिया तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और पेन होगा। दीज आर नोन एज 4 टाइप ऑफ क्राइसिस। अरे बोलो भाई, एप्लास्टिक क्राइसिस जीवन में सामंजस्य बना के, 4 तरह का, दोनों में बिल्कुल आसपास ही है, कितने मतलब एकदम पास पास है। जीवन में सामंजस्य बना के जरूर रखें। अरे बस, अब पत्नी बड़बड़ा रही थी, सुखी जीवन का मंत्र देता हूँ तुम्हें, याद आ रहा। पत्नी बड़बड़ा रही थी, दिन भर घर में संभालती हूँ, बच्चे में संभालती हूँ, ऑफिस का काम में संभालती हूँ, आपका सारा काम मैं करता हूँ, आप क्या करते हो? तो पति ने बात को संभालते हुए बोला कि मैं बस अपने आप को संभालता हूँ तेरी सुरली आंखों के सामने से। फिर क्या बाद में पकौड़े भी मिले उसको? ये सुखी जीवन का मंत्र है। आ रही बात सुन, कई बार हो जाता है ना, वो पति पत्नी लड़ रहे हैं, आ तो पति पलंग पे बैठे बैठा 4 घंटे से काम करा था, तो उसने आगे लहसुन बोला, लहसुन छोल दे। क्या छोल दे? ये औरतों की बड़ी, ये जो होती है ना, जो शादीशुदा आदमी होता, तुम फील करोगे जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चाहे नौकरी भी कर रहे होगे ना, स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोलेगी शादी होने के 1-2 साल बाद, लेकिन जैसे आप संडे को खाली हो तो कुछ नहीं, खाली हो तो पहले दिन तो कहेगी, अच्छा आप फ्री हो तो फलाना थोड़ा वो सामान लेके आ जाओ, चाय शक्कर लेके आ जाओ, ठीक है आदमी ले आएगा, चलो ये तो घर का काम। फिर बच्चे हो गए तो बच्चे को स्कूल छोड़ो, धीरे 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 काम बढ़ेगी रसोई की तरफ, काम बढ़ेगी रसोई की तरफ, सॉरी, अच्छा आज आप फ्री हो तो यूँ करो थोड़ी दाल ही ला दो। क्या ला दो? फिर रोटी के पलटा मार दो। फिर उससे आगे बढ़ेगी, आज यूँ फ्री बैठो तो सब्जी काट दो। क्या काट दो? और भी ज़्यादा फ्री हो तो आप पलंग पे बैठे हो तो आपका या कहीं पे बैठे हो सीट पे लहसुन ला के रख देगा, फ्री बैठे हो तो लहसुन तो छोड़ ले, आदमी क्या कर ले लहसुन। तो पति क्या था? पलंग पे बैठा था। कैसे बैठा था? पलंग पे 2 घंटे से बैठा बैठा काम कर रहा होगा, तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो। बोला पानी के साथ थोड़ा चाय भी बना देना। क्या बना देना? चाय भी। तो पत्नी चिल्लाई, आपको दिन भर कुछ काम नहीं है, दिन भर बैठे रहते हो, सिर्फ दिन भर में भागती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ। अरे बस, पति सोच रहा पानी मांग के गलती कर ली कि शादी मांग करके गलती कर ली, चिल्ला रही है। तो पति पास में गया और बोला कि सुंदर हो तो कुछ भी बोलोगी क्या? क्या सुंदर हो तो? फिर बाद में क्या पकौड़ी भी मिली और भी कुछ मिला। अरे बात क्लियर? तो सोचो मेरी बात, जीवन इज ए, लाइफ इज ए रिजल्ट ऑफ योर बैलेंस। जीवन को आपको बैलेंस करके चलना है। अरे बात में चारों तरह क्राइसिस है, उनको बैलेंस करके चलना है। सोचो मेरी बात। अरे यहाँ तक कोई डाउट है भाई? चले आगे। हाँ पकौड़ी खा लेंगे, ये मोर मसूर की दाल। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, चलेगा बेटा मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल SVS का मतलब सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज। मैनेजमेंट की सीरीज में वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट मैनेजमेंट टारगेट क्या रहेगा? पेन मैनेजमेंट, दर्द को मैनेज करें आप, सबसे इंपॉर्टेंट जा रही है बेटा।
सर्कुलर है। अब कुछ कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, दोनों टांगों के बीच मारो, दर्द नहीं तो मर्द नहीं, आज बासों में क्लियर है। पेन मैनेजमेंट क्या चीज, पेन मैनेजमेंट, अरे बहुत सारों को समझ में नहीं आता है, उनको शाम को समझ में आता है, तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जिनको 9 महीने के बाद भी समय लगता है। चले, और जीवन में हमेशा खुश रहना, जैसे दो आदमी लड़ रहे तो आपका क्या फर्ज बनता है, नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को भी क्या है दिखता रहे, ये जीवन का फर्ज है, आज बात सुन। तो पेन मैनेजमेंट आपका प्रायोरिटी रहेगा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिकल सेल डिजीज में या सिकल सेल डिजीज में प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा, पेन क्या रहेगा, वाई बिकॉज पेन होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, पेन होगा तो फर्दर पेशेंट किसमें जाएगा, डिहाइड्रेशन में, क्योंकि इट इंक्रीज ओ2 डिमांड। एक तो ये पेन किसकी डिमांड को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की, एक तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाता है, और किसको बढ़ाता है, डिहाइड्रेशन को, और ये दोनों फैक्टर प्रमोट करते हैं किसको, मोर एंड मोर सिकलिंग ऑफ आरबीसी, मतलब समझे, पेन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो पर्सन और पेन के साथ साथ डिहाइड्रेशन में जाएगा, और जब खून आपका बेटा पानी का क्या हो रहा है, लॉस, तो खून और क्या होगा, गाढ़ा ब्लड, प्लस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम, दोनों स्थिति में आरबीसी ज्यादा चिपकेगी, थ्रोम्बस ज्यादा बनेगा, प्लस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और क्या होगी, कम, तो फर्दर पेन होगा। ये आपस में चक्कर घूमता है, अरे भूमि गोल है, यही भूगोल है, तो ये घूमता रहता है, आरिपास में ये घूमता रहता है, तो आप पेन को मैनेज करो, क्या करो, अब पेन को मैनेज करना है। अब पेन जो हो रहा है उसमें फर्दर पेन एग्रीवेट हो रहा है दो चीजों से, एक ऑक्सीजन से कमी से, और एक किसके, डिहाइड्रेशन की वजह से, किसकी वजह से, अब दवाई देना इलाज है कि मान लो तुम्हें दर्द है, क्या है, तुम केवल, तुम्हें ये कह रहे हो उंगली में क्या हो गई, आपका जल गया, आप केवल एनएसीआईटी दे दोगे तो उससे दर्द कम हो जाएगा क्या, साथ में कारण को हटाओ, बर्फ लगाओ, सेक करो, तो कारण को हटाना ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू उसका ट्रीटमेंट। तो यहाँ जो पेन हो रहा है उसका पेन का मेन कारण क्या है, ऑक्सीजन की कमी और क्या, डिहाइड्रेशन। तो पेन किलर मान लो तुम केवल पेन किलर ही दे दो, एस्पिरिन दे दी, पीसीएम दे दिया, अगर सीवियर पेन है तो क्या दे दिया आपने, मॉर्फिन दे दिया, तो मॉर्फिन देने से पेन सबसाइड हो जाएगा क्या, डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगा क्या, क्योंकि ये जो पेन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डिहाइड्रेशन, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, क्या हो रहा है, पेन। तो आपको कारण को हटाना जरूरी, और कारण क्या है, डिहाइड्रेशन और ऑक्सीजन की कमी, इसलिए पेन हो रहा है, ये तीनों घूम रहे हैं आपस में। तो पेन मैनेजमेंट के लिए जो आपका सबसे प्रायोरिटी मैनेजमेंट है वो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूड थेरेपी। प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या है, फ्लूड थेरेपी, और फ्लूड थेरेपी अगर पेशेंट नॉर्मल है तो आप क्या करोगे बेटा, मोस्ट द माउथ, एक क्वेश्चन कई बार आता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं, या ओरली 3 to 5 liters पर डे वाटर पिलाए, पानी पिलाए, दबा के जूस पानी जो पीना चाह रहा है सब पिलाए आप उसको, पानी की पूर्ति होनी, ताकि पेशेंट किसमें नहीं जाए, और डिहाइड्रेशन में जाएगा तो सिकलिंग बचेगी नहीं बचेगी, डिहाइड्रेशन ठीक होगा तो टू रिस्टोर डी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को रिस्टोर करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्लियर। अगर इससे काम नहीं चल रहा है और पेशेंट की थोड़ी कंडीशन खराब है, ज़्यादा ही सिकलिंग हो रही, तो क्या दे, आईवी रूट से, और आईवी रूट से बेस्ट जो फ्लूड रहता है वो D5W, अरे कितना, डेक्सट्रोज 5%, ताकि ग्लूकोज की भी कमी नहीं हो, या आप दे सकते हो D5W प्लस 0.225% NS, ये सब कैसे फ्लूड है, आइसोटोनिक। कितना देना फ्लूड, 3 liters पर मीटर स्क्वायर पर डे, आपकी बॉडी सरफेस एरिया है ना, जैसे मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, 6 feet है, तो मेरा बॉडी सरफेस एरिया कितना, 1.80 meters, कितना है, अरे मीटर में कितना हो गया भाई, कम्बक तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 meter, मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर, तो मेरा बॉडी सरफेस एरिया कितना है, 1.8 meters, पर मीटर के पीछे कितना देना है, 3 liters, तो लगभग 3 to 4 liters आपका मीटर स्क्वायर एरिया जो है, 3-4-5 liters आपको क्या देना है, फ्लूड देना पर डे, D5W या D5W प्लस 0.5, इसका क्या फायदा होगा, ग्लूकोज की भी क्या होगी, पूर्ति होती रहेगी, ताकि आरबीसी को और बॉडी को ग्लूकोज की डिमांड, क्योंकि क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की डिमांड दोनों बढ़ी हुई है, तो आप क्या दो, D5W या D5W प्लस 0.225% NS, दोनों आइसोटोनिक है, अरे है कि नहीं है, तो आप ये दे सकते हैं, या फिर ओरली दे दो, बेस्ट है ओरली, तो बेस्ट है,
हम जगह आईवी नहीं लगा रहा, इन्फेक्शन का खतरा है क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी पहले से क्या है, वीक है ना भाई। अरे बोलो यार, नेक्स्ट। तो फ्लूड दे, फ्लूड देगा तो क्या रिस्टोर होगा, हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन रिस्टोर होगा तो आरबीसी आपस में चिपके भी नहीं, सिकलिंग क्या होगी, रिड्यूस होगी, होगी कि नहीं होगी। तो पेन मैनेजमेंट में सबसे बढ़िया जो चीज है वो क्या है, हाइड्रेशन थेरेपी। फिर उसके बाद में किसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है तो क्या दे, O2 सप्लाई, और यहां पे मरीज को 100% क्या दे, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। क्यों, अबे ह्यूमिडिफाइड क्यों देने, ताकि वैसे मुंह पहले से क्या ड्राई माउथ है, म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन नहीं हो, जलन नल नहीं हो, इसलिए 100% ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दे आप पेशेंट को, और अकॉर्डिंग डिमांड आपका 4 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से दे दे आप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगी तो आरबीसी सिकलिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी रिड्यूस होगी, क्राइसिस की स्थिति बच जाएगी, पेन क्या होगा, रिड्यूस होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा, थ्रोम्बस नहीं बनेगा। हाइड्रेशन क्या रखेगा, ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स के अंदर जो आरबीसी है उनको दूर दूर रखेगा, ताकि आपस में चिपके नहीं, क्राइसिस ना बढ़े, थ्रोम्बस नहीं बने, वरना थ्रोम्बस बनेगा तो और फर्दर क्या होगा, उंगलियों को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, कोरोनरी आर्टरीज बन जाएगी, ये आपस में क्या हुआ, सब जुड़े हुए हैं। अरे बोलो राजा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट सीरीज में पेन मैनेज करो आप, पेन मैनेजमेंट के लिए क्या दोगे, पेन किलर, पेन किलर में अपन क्या यूज कर सकते हैं, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। NSAID में जैसे पेरास्टामोल दे दो आप, या अपन यूज करते हैं बेटा एस्प्रिन, एस्प्रिन इज आल्सो ए पेन किलर, हाई डोजेज में 500 mg, डिस्प्रिन सिर दर्द में काम आती कि नहीं आती है, डिस्प्रिन दर्द में घुल जाए तुरंत, याद आ रहा नहीं आ रहा, तो एस्प्रिन डिस्प्रिन ये दें आप हाई डोजेज में। अब बताओ ये ब्लड थिनर है कि नहीं, ये बताओ आपका ब्लड क्या हो रखा है, गाढ़ा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये ब्लड थिनर का काम करती है, कौन, तो पेन से भी कम करेगी और आरबीसी के सिकलिंग को भी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, कोई डाउट है। लेकिन NSAID में क्या नहीं देना बेटा, मेप्रिडिन हाइड्रोक्लोराइड नहीं देना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं मरीज को। आपसे पूछा कि पेन किलर कौन सी नहीं देनी है, तो अगर किसी पेशेंट को क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, हंसी आकार कोशिका अल्पता, HBS है आपका, हीमोग्लोबिनोपैथी है HBS टाइप की, तो उस स्थिति में मेप्रिडिन हाइड्रोक्लोराइड, मेप्रिडिन हाइड्रोक्लोराइड इज NSAID, ये अवॉइड करनी, क्योंकि ये क्या लग सकती है, मेप्रिडिन इंड्यूस्ड सीजर ला सकती है, मेप्रिडिन की वजह से सीजर आ सकता है, और सीजर आने की रिस्क भी है, क्योंकि आरबीसी सिकल है तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन क्या मिल रही है, कम, तो ब्रेन इरिटेट होगा, एबनॉर्मल नर्वल क्या होगी, फायरिंग, सीजर आ सकते हैं, तो मेप्रिडिन हाइड्रोक्लोराइड को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा पेन और क्या हो गया बेटा, सीवियर पेन, अगर ज्यादा सीवियर है तो क्या दे, मोरफिन, अरे क्या दे, मोरफिन, क्लियर है, लेकिन कंट्रोल अमाउंट में, क्योंकि मोरफिन इंड्यूस सीजर भी आ सकते हैं, और मोरफिन आपको क्या कर सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकती है, पहले से डिजनिया हो रहा है तो थोड़ा कॉशनली दे। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट के लिए पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, नाम सुना तुमने, एक मशीन आती है, देखना बेटा ऐसे, जैसे ये तुमने मॉर्फिन का सॉल्यूशन बढ़ा दिया या फेंटानिल का सॉल्यूशन बना के रखा है, उसका कनेक्शन होता है आपकी किससे, कैनुला से जोड़ के रखते हैं ट्यूबिंग के द्वारा, नॉर्मल जैसे सिरिंज है, सिरिंज में ट्यूबिंग जगाड़ के आपके पेशेंट के कैनुला से जोड़ रखा है, और उसका बटन पेशेंट को दे देते हैं, किसको दे देते हैं, अब जैसे एक तो कंटिन्यू पेन चलाओ, एक तो कंटिन्यू मेडिसिन चलाओ, जब जरूरत नहीं है तो क्यों चलाओ, मेडिसिन तो डैमेज करती है लीवर को और बाकी ऑर्गन को, और पहले ही प्रॉब्लम में है, तो एक ऐसा सिस्टम कर दो कि एक बटन किसके हाथ में दे दो, पेशेंट के हाथ, किसके हाथ में, कि जब दर्द हो तो इसको दबा देना, एक बार दबाएगा तो इतनी दवाई जाएगी, सेट करके रखो, तेरा दर्द कम, अगर दर्द कम नहीं हो रहा तो एक बार और दबा देना। तो पेशेंट को क्या देना, पेशेंट कंट्रोल एंजेसिया, एक ट्यूबिंग सिस्टम आता है ऐसा, इसके अंदर आपने मेडिसिन पढ़ दी, इसका कनेक्शन उसके आईवी कैनुला से, एक आपने क्या कर दिया, स्विच उसको दे दिया, जैसे दर्द होगा वो स्विच को दबाएगा, मान लो 5 mg, एक बार स्विच दबाने में जानी है 5 mg जाएगा उसकी बॉडी में, दर्द से आराम मिल जाएगा, वो दबाएगा नहीं। अगर इससे भी काम नहीं चल रहा तो अपने को थोड़ी पता कि आराम है कि नहीं, थोड़ा दर्द अब भी नहीं बढ़ा तो एक बार और दबा देगा तो 5 mg और चलाएगा, 10 mg में इलाज हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, मेडिसिन वही है लेकिन मेडिसिन का लेने का अधिकार उसके हाथों में दे दिया आपने, कंटिन्यूस पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया कहलाता है, PCA मशीन, कोई डाउट है, अरे दे सकते हो ना, तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ किसका, पेन मैनेजमेंट किसका, अरे कोई डाउट है, पेन कंट्रोल या पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, एक ही बात है बेटा, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया।
पेन कंट्रोल एनजेसिया, पेशेंट कंट्रोल एनजेसिया, बेटर वर्ड है पेशेंट कंट्रोल एनजेसिया। अरे बोलो भाई, इसके अलावा पेशेंट को क्या दे? प्रॉपर रेस्ट दे भाई, प्रॉपर रेस्ट दे ताकि रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो, क्लियर है? अरे बस चले आगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट। ओ सुलेमान भाई की, भाई की बीवी मर गई। किसकी? सुलेमान भाई। तो सुलेमान भाई की बीवी मर गई तो उसके पड़ोसी ने पूछा, उसके पड़ोसन की पत्नी ने बताया कि उसके पति को पूछा कि सुलेमान भाई की बीवी मर गई, तुम्हें जनाजे में नहीं बुलाया क्या? तुम जनाजे में क्यों नहीं गए? तो बोला किस मन से जाता वो बेचारा, तीन बार बुला चुका मैं, एक बार भी नहीं बुला पाया उसको। नहीं समझे? यानी पलतिकनो क्या होगा? नहीं, ये भी तो महान लोगों के महान विचार होते हैं जो शाम को समझ में आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड, प्रॉपर रेस्ट। पेशेंट को क्या करना? O2 की डिमांड को रिड्यूस करना ताकि रेस्ट कराओ उसको। क्या कराओ? रेस्ट कराओ। और क्या, और क्या करेंगे आप? हाइड्रेशन आपने दे दिया, ऑक्सीजन आपने दे दी, पेशेंट को क्या कराया? रेस्ट कराया ताकि ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाए, कम। और क्या करोगे? है यस, पोजीशन दोगे आप। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पोजीशन हमेशा लेस देन 30 डिग्री से रखना। हेड एलिवेशन, हेड को ज्यादा एलिवेटेड नहीं रखना। एलिवेशन 30 डिग्री से क्या रखना है? कम रखना। एक तो क्या लंग आसानी से एक्सपेंड होते रहेंगे, दूसरा ज्यादा सिर को ऊपर रखोगे तो ऊपर की तरफ ऑक्सीजन चढ़ने में क्या आएगी? दिक्कत। आरबीसी सिकलिंग और की है, और हेड को आपको 30 डिग्री से क्या रखना है? कम लिफ्टेड रखना है, ज्यादा नहीं उठाना है। अरे मतलब ज्यादा नहीं उठाना है, वरना यू बेटर रहेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने की क्या होगी, ऊपर की तरफ चढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना यार। चले आगे, तो ये तो मैनेजमेंट हो गया किसका। नेक्स्ट है क्या बेटा? फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम का सौदा बेटा। अरे क्या बेटा? फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दे आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोलिक एसिड दे टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस एंड, टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस एंड सिकलिंग ऑफ आरबीसी, ये बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। उसको कंटिन्यू क्या दे आप? फोलिक एसिड दे, क्लियर है? पेनिसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का खतरा ना है तो पेनिसिलिन और अदर एंटीबायोटिक दे पेशेंट को ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। कोई डाउट है? चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। आयरन ओवरलोड हो रहा है, कौन सी थेरेपी? चेलेशन थेरेपी दे आप। कौन सी थेरेपी? क्यों? क्लियर है? टू डिक्रीज किसको? आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड को रोकने के लिए क्या दे? चेलेशन थेरेपी दे। अरे कौन सी? चेलेशन थेरेपी, क्लियर? आयरन ओवरलोड हो रहा है तो अपन एक ड्रग आती बेटा, डेसफेरोन, जिनको बोलते हैं डेफोरेक्सामाइन। डेसफेरोल या कौन सा? डेफोरेक्सामाइन, डेसफेरोल या डेफोरेक्सामाइन क्या करती है बेटा? आयरन के साथ बाइंड करती है और आयरन को क्या करती है? बॉडी से निकाल देती है, क्योंकि ओवरलोड ओवरलोड रहा तो ब्रोन डायबिटीज का खतरा है, बॉडी के ऑर्गन डैमेज होने का खतरा है। तो आपसे पूछे कि आयरन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट पूछे आपसे कोई, आयरन ओवरलोड का मतलब आयरन, तो एंटीडोट क्या है इसका? डेसफेरोल या डेफोरेक्सामाइन। डेसफेरोल ब्रांड नेम है, डेफोरेक्सामाइन साल्ट आता है इसमें। और अगर ये पेशेंट ये ले रहा है तो एडवाइस पेशेंट दे बॉडी सीक्रेशन में बी रेड ऑरेंज, कैसे आ सकते हैं? अबे आयरन लाल या ऑरेंज कलर का होगा, अब डेफोरेक्सामाइन ले रहा तो बॉडी से आयरन लॉस होगा, तो या तो यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, या पसीने के थ्रू, लार के थ्रू लॉस होगा, जैसे भी लॉस होगा तो उनका कलर कैसे हो जाएगा? रेड ऑरेंज। पेशेंट यूरिन कलर करके ले दोगे, मेरे तो यूरिन ऐसा आ रहा है, तो पहले ही समझा कर रहना कि तू ये दवाई ले रहा तो ऐसा कलर का आएगा, रेड ऑरेंज कलर का। क्यों? क्योंकि आप डेसफेरोल दे रहे हो तो ये किसको बाइंड कर रही है? आयरन को, और आयरन को बॉडी से बाहर निकाल रही है, तो कलर कैसा हो जाएगा बॉडी के सिक्रेशन का? रेड ऑरेंज। तो पहले समझा के रखना पेशेंट को। चले आगे, इसके अलावा आपको नी गैचिंग वगैरह नहीं करनी है। अरे मतलब ऐसे आलंगती पालंगती मार के बैठते हो ना तुम, या पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हो, तो बाबूजी बन के नहीं बैठना, सीधा बैठना। नी गैचिंग को अवॉइड करना, वरना क्या होगा? वेसोकल जी क्राइसिस और बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा ना, नी गैचिंग वगैरह अवॉइड करना। हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना होता है इसमें। चले आगे,
नी कोचिंग को क्या करें, अवॉइड, मतलब कैची बना के बैठते हो ना पैरों की, दोनों वो नहीं बनानी है आप। और बताइए क्या करना है, डाइट का आपको फोकस करना बेटा, क्या चीज डाइट, डाइट क्या दोगे, हाई ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है तो हाई कैलोरी देनी है, इम्यूनिटी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो हाई प्रोटीन, डिहाइड्रेशन हो रहा तो हाई फ्लूड एंड फाइबर दोनों हाई देने हैं, विटामिन B12 भी क्या देना है, ज़्यादा देना है, क्लियर है, बट लो पोटेशियम एंड लो फैट, फैट और पोटेशियम दोनों क्या रहना है, कम देना है, विटामिन विटामिन मल्टी विटामिन देना है, हाई फ्लूड देना है, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी क्यों देना है, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा है, प्रोटीन ज़्यादा देना है, पोटेशियम वगैरह को रेस्ट्रिक्ट करना है आपको बिल्कुल ही, केले ले नहीं देना पेशेंट को। चले आगे, इसके अलावा एक दो और ड्रग और आती है, आजकल नई ड्रग आई है हाइड्रोयूरिएज एंड एल आर्जिनिन और हाइड्रोयूरिएज ड्रग आजकल ये आ चुकी है बेटा सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। अब पूछा कि क्यों कहते थे, तो हाइड्रोयूरिएज होते हुए एंटी कैंसर ड्रग होती है बेटा। अरे कैसी ड्रग होती है, उसकी जो डोज जो चलती है वो चलती 5 से 30 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट पर डे, कौन सी, हाइड्रोक्सी यूरिएज, ड्रग का नाम है हाइड्रोक्सी यूरिएज, ये किस कैटेगरी ड्रग है, क्लियर, प्रिवेंट बोन मेरो डिस्ट्रक्शन, ये किसको बचा के रखती है, बोन मेरो को ज्यादा डिस्ट्रक्ट नहीं होने देती, क्यों, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में आपने पता है कि एप्लास्टिक क्राइसिस होता है, आरबीसी सिकलिंग होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो और बोन मेरो डिस्ट्रक्ट होगा, आरबीसी होती है, ये क्या करती है, बोन मेरो को ज्यादा डिस्ट्रक्ट नहीं होने, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग है ना, और इसको बचाते के रखती है, तो ये भी यूज करते हैं। इसके अलावा एल आर्जिनिन भी यही काम करती है, तो ये दोनों ड्रग अपन यूज कर सकते हैं सिकल सेल क्राइसिस में, क्लियर है। अरे बोलो भाई, नेक्स्ट नर्स का क्या रोल है, प्राइमरी नर्सिंग रोल, अगर अगर बेबी को क्या है सिकल सेल एनीमिया, तो पेरेंट्स को क्या टीच करेगी, अब बच्चा थोड़ी समझता, पेरेंट्स को टीच करना है, क्योंकि 6 महीने के बाद ही साइन सिम्टम आ रहे हैं, जन्मजात बीमारी है, क्लियर, तो एडवाइस पेरेंट्स दैट देयर बेबी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, देयर बेबी विल बी इम्यूनाइज ईयरली, हर साल उसको दो वैक्सीन, कौन सी, एक न्यूमोकोकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कौन सी, मेनिंजो कोकल, और इसके अलावा कौन सी, इन्फ्लुएंजा, ये तीनों वैक्सीन लगवाए ही लगवाए, वैक्सीनेशन कराना जरूरी है ईयरली, हर साल लगवाए, क्यों, क्योंकि मरीज को क्या है सिकल सेल एनीमिया, इम्यूनिटी उसको क्या है कम है, न्यूमोकोकल तो न्यूमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, और इन्फ्लुएंजा हो सकता है, इन्फेक्शन का खतरा है, तो ये इन्फेक्शन का खतरा है, इसलिए पहले से क्या लगा के रखे, वैक्सीन लगा के रखे, और न्यूमोकोकल वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कब, जब बच्चे को क्या हो गुलियन बारे सिंड्रोम GBS में, कौन सी वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजोकोकल और न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल किस केस में, मेनिंजोकोकल के केस में क्या, हाँ MG, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, यस, मेनिंजोकोकल वैक्सीन चल रही है तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, गुलियन बारे सिंड्रोम, न्यूमोकोकल का क्या है, सीजर वगैरह प्रोड्यूस कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखना, उन स्थिति में आपको क्या करना, अवॉइड करना, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे इसके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया क्या होंगे, जल्दी से कमेंट करें, चले आगे। अब बीवी ज्यादा रसोई में खड़ी होकर किचकिच करे तो क्या करे, है चप्पल उठाए और पहन के सीधा घर से बाहर चले जाए, आज तुम सोच रहे हो ना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, सोच रहे हो आप, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, हास्याकार कोशिका अल्परक्तता, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, क्या हो सकते हैं, स्ट्रोक, अरे क्या हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज लाइक MI और एंजाइना प्रोड्यूस हो सकता है, अरे होगा नहीं होगा, ब्लॉकेज कर सकता है ये, पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगा कि नहीं होगा,
और अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगा बेटा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अगर लंग्स में फाइब्रोसिस बन गया तो ब्लड सप्लाई बाधित होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है इसकी वजह से। और बताओ कोलीलिथियसिस होगा कि नहीं होगा, स्टोन इन गॉल ब्लड, क्योंकि क्या बढ़ रहा है अबे बिलरुबिन बढ़ रहा है ना यार, कोलीलिथियसिस हो सकते हैं। और बताओ एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है बोन मैरो डिस्ट्रक्ट होने से। चले आगे और बताइए, आयरन ओवरलोड हो गया, और आयरन ओवरलोड की वजह से क्या हो सकती है, ब्रोंज डायबिटीज मेलाइटस। और अबे सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज, लीवर फेलियर हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, और हार्ट तक फेल हो सकते हैं। ये सभी कॉम्प्लिकेशन है किसके, सिकल सेल एनीमिया। और ये होगी बेटा सारी की सारी बीमारी कौन सी, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा, केवल एक कितने करोड़ अमाइनो एसिड होंगे उसमें, केवल एक एक ने अपनी जगह बदली है। अरे क्या बदली है, एक ने अपनी जगह बदली है। अरे समझना, बोलो भाई, चले आगे। तो थ्योरी में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया कि जो सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल जो एनीमिया है, मैं उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। चल बेटा इसी तरह की बेटा धमाकेदार थ्योरी के साथ एमसीक्यू बैचेस की क्लासेस लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बेस शुरू हो गए, जिसकी फीस 21,999, ऑनलाइन की 8,999। एड्रेस रहेगा थर्ड फ्लोर धनलक्ष्मी टावर नियर शनिचर जी का थाल जोधपुर बेटा, 8368066 वाले नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप कंप्लीट थ्योरी के साथ एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते बेटा। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं आपके, चलेगा। तो अपन ने बात करी कि पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है 11वें क्रोमोसोम में गड़बड़ होने की वजह से, जिसमें क्या होगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या है, ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन के अंदर कौन सी चेन है, बीटा चेन, बीटा चेन के अंदर छठे नंबर पर जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह क्या जाता है, वेलिन। तो आरबीसी क्या हो जाती है, सिकल। और सिकल होगी तो कभी तो ब्लड वेसल्स में फंस जाएगी, कभी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कराएगी, कभी ऑर्गन को डैमेज करेगी, कभी एप्लास्टिक एनीमिया कराएगी, और पूरी जिंदगी को क्या कर देगी, झंड कर देगी। बीमारी क्या कहलाती है, सिंगल सेल एनीमिया। होगा नहीं होगा, क्लियर है। और ज़्यादा पूरी नहीं होती, ऐसे बंदे 40 से 60 साल जिंदा रह सकते हैं, पर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करें, या प्रॉपर डाइट वगैरह ले, प्रॉपर फूड रहे, नॉर्मल रहे, ज़्यादा वर्कलोड नहीं करे, तब चेस्ट सिंड्रोम होगा, पेन मेन प्रॉब्लम होगा। पेन मैनेज करेंगे सबसे बड़ा तरीका हाइड्रेशन, क्या है, विटामिन B9 वगैरह दें आप, मल्टीपल थेरेपी वगैरह चलेगी आप, को डाउट है बच्चों, चलेगा। अपन कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आराम से जवाब दीजिएगा, चलेगा। शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन की, सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला, वंस द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द क्लाइंट लो रेड ब्लड सेल काउंट इज ट्रीटेड, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिड्यूसिंग द फटीग। कोई मरीज है, उसको आरबीसी के काउंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे बढ़िया है। पहला, एनकरेज द क्लाइंट टू गेट एटलीस्ट 8 आवर ऑफ स्लीप, रोज 8 घंटे तो सुलाए उसको, एनीमिया और फटीक हो रही है, फटीक को रिड्यूस करने का तरीका पूछ रहा है। दूसरा, हैविंग द क्लाइंट एक्सरसाइज ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार कसरत कराए उससे, इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू ईट मोर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो एनीमिया का फटीक का कोई लेना देना नहीं है, एनकरेजिंग द क्लाइंट टू रेस्ट फ्रिक्वेंटली, बीच बीच में क्या कराएं, रेस्ट। डी इज द बेटर आंसर, डी इज द बेटर आंसर। ए 42-year-old क्लाइंट डेवलप एनीमिया, 42 साल का बंदा है, उसको क्या हो गया, एनीमिया हो गया, बट द इटियोलॉजी इज अननोन, अननोन इटियोलॉजी, कारण पता नहीं किससे हुआ। ड्यूरिंग द इनिशियल इंटरव्यू व्हाट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू ए क्लाइंट एनीमिया, किस वो क्या बता रहा है जिससे पता चलेगा कि एनीमिया की रिस्क ज्यादा है, किस वजह से एनीमिया हुआ। पहला, द क्लाइंट फेंटेड लास्ट वीक एट वर्क, की पिछले सप्ताह वो काम करते करते बेहोश होकर गिर गया, तो ये एनीमिया का लक्षण है कि नहीं, तो बिल्कुल है। दूसरा, द क्लाइंट हैज ओकेजनली हेडेक, कभी कभी उसको सिर में क्या होता है, दर्द होता, तो ये एनीमिया का सिम्टम नहीं है, हेडेक होगा तो कंटिन्यू होगा एनीमिया, तो ये गलत है। द क्लाइंट गॉल ब्लैडर हैज बीन रिमूव्ड, एनीमिया का कोई संबंध है नहीं है, गॉल ब्लैडर का कहाँ से संबंध है, लीवर ईवर को निकाल देते तो बात अलग आती। द क्लाइंट एब्डोमेन इज समवाट टेंडर, उसका पैर भारी है, पैर नहीं पेट, हाँ तुम लोग जल्दी गलत समझ रहे, पेट भारी होने का एनीमिया से क्या संबंध है,
तो राइट आंसर क्या जाएगा, ये पूछ रहा है कि किस सिम्टम से पता चलेगा कि उसको एनीमिया के लक्षण है या एनीमिया हो सकता है। तो वो कह रहा है कि यार पिछले समय क्या हो गया, काम करते करते बेहोश हो गया, तो एनीमिया में ऐसा ही होता है, ऑक्सीजन की कमी होने से फेंटेड हो जाता पेशेंट। तो राइट आंसर जाएगा ए। द नर्स एडमिनिस्टर आयरन यूजिंग ए जेड ट्रैक टेक्निक, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन टू एडमिनिस्ट्रिंग ए जेड ट्रैक टेक्निक। आयरन थेरेपी देते जेड ट्रैक, तो उसका मेन मकसद क्या है, टू प्रिवेंट अबे बी स्टेनिंग ऑफ स्किन या लीकेज ऑफ आयरन। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए बता दिया मैंने आपको, बीच में आ गया था इसलिए मैंने मन नहीं माना रख लिया। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस शो नंबर ऑफ बैंड्स इन द सिकल ट्रेड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंड दिखाई देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, कितने ट्रेड्स दिखाई देते हैं बैंड्स। तो बेटा राइट आंसर जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान कितने, दो बैंड्स दिखाई देते हैं। आरबीसी सिकल शेप होती है, तो ऐसे बैंड दिखाई देते हैं सिकल शेप में इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लाज्मा जेल पर, जो कि कंफर्म डायग्नोसिस है। चले आगे, हीमोग्लोबिन चेन अफेक्टेड इन सिकल सेल एनीमिया, कौन सी चेन, बीटा चेन। क्लियर है, और बीटा चेन में छठे नंबर पे कौन होता है, ग्लूटामिक एसिड, वो रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, ऑटोस्प्लेंटमी सीन इन कंडीशन सिकल। ऑटोस्प्लेंटमी का मतलब एकदम सिकल सेल क्राइसिस होगा, और एकदम क्या होगा, स्प्लेनिक सिकुंडोसिस, सारी सिकल सेल किसमें, और स्प्लीन में इतनी फंस जाएगी कि स्प्लीन को सांस नहीं आएगी, स्प्लीन को ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, और ऑटोमेटिक स्प्लीन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट, ऑटोमेटिक कट जाएगा बॉडी से, नेक्रोस हो जाएगा, क्या कहलाता है, ऑटोस्प्लेक्टोमी। किसमें देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया में। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी ने सिकल सेल डिजीज एवरेज कितनी रहती है, तो एवरेज जो लाइफ स्पान रहती है वो 10 से 20 दिन, जबकि नॉर्मल कितनी होती है, अडल्ट की बात करें तो 120 डेज, और न्यूबॉर्न की बात करें तो कम से कम 80 दिन तो होती है, लेकिन यह मात्र कितने दिन की रहेगी, 10-20 दिन में आरबीसी टूटेगी। नेक्स्ट, नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया, टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन कैपिलरीज एज वेल एज ए अदर प्रॉब्लम फ्रॉम द स्ट्रेसिस एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द सिकलिंग प्रोसेस द नर्स शुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एम्स में चार बार आ चुका क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया, पेशेंट है उसको सिकल सेल एनीमिया, नर्सिंग ऑफिसर उस बच्चे की क्या कर रही है, केयर कर रही है, टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, बच्चे में क्या नहीं बने, सिकल सेल एनीमिया की वजह से थ्रोम्बस नहीं बने कैपिलरीज में, एज वेल एज अदर प्रॉब्लम नहीं हो, या ब्लड का स्टेटिस यानी ब्लड का क्लॉट ना बने, तो उसके लिए नर्सिंग रोल क्या रहा है, सिकलिंग को रोकने के लिए नर्स का क्या रोल है, पहला एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का कोई संबंध नहीं है सिकलिंग से, हाँ इन्फेक्शन से रोक सकता है वो, तो ये इतना बेटर ऑप्शन है नहीं। दूसरा इंक्रीज फ्लूड बाय माउथ एंड यूज ह्यूमिडिफायर, तो फ्लूड बढ़ने से बिल्कुल सिकलिंग रुकती है। तीसरा कह रहा है एनकरेज द चाइल्ड टू मेंटेन बेड रेस्ट, तो केवल रेस्ट करने से थोड़ी फायदा होगा, रेस्ट में भी होती है सिकलिंग, तो चेस्ट तो घूम ही रहा ना, बॉडी तो थोड़ी तो मूव करती है अंदर से। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट का संबंध है, बेस्ट क्या रहता है, इंक्रीज फ्लूइड बाय माउथ या यूज ह्यूमिडी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रिवेलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर अमोंग यंग चिल्ड्रन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ए मेजर रीजन फॉर दिस यंग चिल्ड्रन इज, बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आयरन डेफिशिएंसी में, उसका मेन कारण क्या है, ब्लड डिसऑर्डर, ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क, लैक ऑफ एडिक्वेट आयरन रिजर्व फ्रॉम द मदर, या इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड अर्ली टू प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, जल्दी ठोस खाना देना, आयरन का रिजर्व कम होना, ज्यादा दूध पिलाना, या ब्लड डिसऑर्डर। तो बेटा जो मेन जो कारण रहता है वो भावलो ओवर फीडिंग होती है, मुझे पता था सिकल सेल एनीमिया बताया था, तुम यही बताओगे ओवर फीडिंग, ज्यादा दूध पिलाते हैं ना, दूध में आयरन की क्या होती है, कमी, समझ गए ना, इसलिए मेन कारण है एनीमिया का बच्चों में, इसलिए ज्यादा दूध नहीं पिलाना चाहिए। कंडीशन प्रिसिपिटेट द सिकल सेल क्राइसिस इन टू चाइल्ड एक्सेप्ट, मतलब किस कंडीशन से सिकल क्राइसिस सेल और बढ़ेगा एक को छोड़ के, डिहाइड्रेशन से बढ़ेगा, फीवर से बिल्कुल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगा स्ट्रेस से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ऑक्सीजन देने से क्या होगी, कम होगी, एक्सेप्ट पूछा ना ये, तो राइट आंसर क्या जाएगा, बी, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया बताइए, सीवर एनीमिया होना, बहुत ज्यादा आरबीसी का कम होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, हीमोलाइटिक क्राइसिस, आरबीसी का टूटना, सिक्वेंट्रेशन क्राइसिस यानी आरबीसी का किसमें जाके फंस जाना, स्प्लीन में, मोस्ट कॉमन पूछ रहा यार रिपीटेड, तो मोस्ट कॉमन पेन होता है, और पेन हड्डियों में, जॉइंट में, कहीं पे भी हो सकता है आपका पेन। राइट आंसर क्या जाएगा, डी, ए वन ईयर ओल्ड इज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल विद सिकल सेल एनीमिया इन क्राइसिस,
एक साल का और उसको क्राइसिस की सिचुएशन यानी सीवियर सिकलिंग हो रही है, सीवियर ऑक्सीजन की क्या हो रही है कमी। अपॉन एडमिशन विच थेरेपी विल अज्यूम प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सचेंज ट्रांसमिशन, एंटीकोगुलेंट या आईएम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन, सबसे पहला इलाज क्या है। इसके अलावा आप बेटा आपका सिकल सेल एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी मैनेजमेंट में आएगा, ब्लड भी ट्रांसफ्यूज कर सके, क्योंकि आरबीसी ज्यादा सिकलिंग होगी तुम नॉर्मल आरबीसी चढ़ा दो स्वस्थ आदमी की, तो उससे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहेगी और लाइफ स्पैन भी कम है इनका 10-20 दिन, वो 120 दिन जिएगी, थोड़ा आदमी मेंटेन रहेगा, बच्चा मेंटेन रहेगा। टोडलर हैज बीन ट्रीटेड फॉर सिकल सेल क्राइसिस, टोडलर मतलब, टोडलर का मतलब जो थोड़ा फोड़ा करता है, 1 से 3 साल के बच्चे टोडलर कहलाते हैं, जिनके अंदर क्या पैरेलल प्ले कॉमन होता है, नकल करना, क्या करना, टोडलर को होते हैं जो 1 से 3 साल के बच्चे नकल करते हैं, जैसे घर में रामायण आ रही है आरिवास में या शक्तिमान आ रहा है, तो बच्चा छत पे जाता है, छत पे घूम के सक सक शक्ति, नीचे आता पैर तोड़ा लेता है आरिवास में, फिर मम्मी जाती है बाद में उठाती, पहले 2 चप्पड़ मारती है फिर उठाती है उसको आरिवास में, या घर में रामायण चल रही है धनुष से खेल रही है, तो वो धनुष बना के मम्मी को मारेगा, मम्मी के लगते मम्मी अच्छे से उसको फिर अच्छे से रामायण दिखा देती है उसको, होता है कि नहीं होता है, अरे समझे नहीं समझे। तो टोडलर है, सिकल सेल क्राइसिस है उसको, और द क्राइसिस सबसाइड, क्राइसिस ठीक हो गया है एंड द चाइल्ड इंप्रूव, अब चाइल्ड की ट्रीटमेंट किया तो थोड़ा क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है कंडीशन। विच स्टेटमेंट इज एसेंशियल फॉर द नर्स टू इंक्लूड इन द डिस्चार्ज टीचिंग, अब मरीज को क्या करना है, डिस्चार्ज करना है, क्राइसिस हुआ ट्रीटमेंट कर दिया मरीज ठीक हो गया, मरीज को डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज के समय क्या टीचिंग दोगे। पहला ऑप्शन कह रहा है योर चाइल्ड बी ब्रूज इजिली, डू नॉट लेट योर चाइल्ड बम्प इन टू थिंग्स, कि कोई चीज पे ज्यादा उछलने मत देना, वरना आसानी से क्या हो सकती है, ब्रूज यानी चोट लग के ब्लीडिंग आ सकती है, यानी प्लेटलेट्स कम होने का इंडिकेशन है। दूसरा, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली इफ योर चाइल्ड डेवलप ए फीवर, अगर बुखार आए तो तुरंत किसको बताएं, डॉक्टर को। योर चाइल्ड विल नीड स्पेशल हेल्प विद फीडिंग, खाना खाते समय जरूरत है तो इतना जरूरत है नहीं, खुद के काम कर सकता है। ऑब्जर्व योर चाइल्ड फ्रीक्वेंटली फॉर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग भी सही है लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं आती है, या जब क्राइसिस होता तभी डिजनिया वगैरह रहता है। यहाँ क्या मेन दिक्कत है, फीवर वाला, फीवर आ रहा है इसका मतलब इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है, पेशेंट किस में जाएगा, इम्यूनिटी कमजोर, इन्फेक्शन में जाएगा, तो ऑक्सीजन की डिमांड और क्या होगी, बढ़ेगी तो क्राइसिस वापस हो सकता है, नहीं समझे, अबे समझ। हालांकि डिजनिया वाला भी ऑप्शन सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फीवर कैन प्रोड्यूस वापस अनादर अटैक ऑफ सिकलिंग, नहीं समझे, छोटी छोटी बातें, और ये एमएसएन है, इसको हल्के में नहीं लड़ना, ये साइकेट्रिक सीएचएन पढ़ना नहीं कि सीधी दिखती है जैसे आंसर आ जाएगा, ये एमएसएन है, अरे समझ रहे हो मेरी बात, 70% क्वेश्चन ऐसे नहीं आते इससे। नेक्स्ट देखिएगा, विच स्टेटमेंट मेड बाय द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड न्यूली डायग्नोस विद सिकल सेल एनीमिया इंडिकेटेड नीड फॉर मोर टीचिंग है, विच स्टेटमेंट बाय द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन न्यूली डायग्नोस विद सिकल सेल एनीमिया इंडिकेट नीड फॉर मोर टीचिंग, यानी बच्चा है जिसको अभी अभी सिकल सेल एनीमिया डायग्नोस हुआ है, माँ बाप कौन सी बात बोल रहे हैं कि और उनको समझाने की जरूरत, गलत बात, कौन सा स्टेटमेंट है उनका। पहला, वी आर गोइंग टू ए माउंटेन फॉर आवर वेकेशन दिस ईयर, कि हम सिकल सेल एनीमिया उसको लेके हम कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ पे नहीं जाना है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ऑक्सीजन की पहले से क्या है, और क्या होगी, पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्राइसिस बढ़ सकता है। दूसरा, इट इज़ अ गुड थिंग सी लाइक टू ड्रिंक जूस, तो ये तो अच्छी बात है, मना नहीं करना है, सही बात है, ये तो पानी की बढ़ोतरी रहेगी तो सिकल सेल क्राइसिस या एनीमिया को तो मुझे अटैक नहीं आएगा, सिकलिंग कम होगी। इफ सी नीड समथिंग फॉर पेन आई विल गिव हर बेबी ऐसा, तो बिल्कुल सही है, पेन में ऐसा पोने में पेन देनी है, छोटा बच्चा है तो आई विल मेक श्योर दैट द सी डजंट गेट चिल्ड व्हेन इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, कि मैं श्योर करूँगी ये बाहर नहीं जाए जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो उतना असर नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे मेन क्या है, वो घर वाले सोच रहे हैं कि नहीं बच्चा छोटा है मैं इनको क्या करूँ, पहाड़ों में हम घूमने चले जाए हस्बैंड वाइफ, तो बच्चे को साथ है ना जाए, यानी वो जिसका बच्चे सिकल सेल एनीमिया पहाड़े में नहीं जाना क्योंकि ऑक्सीजन की क्या है कमी। अबे समझ रहे हो मेरी बात, चले आगे, वादियों में नहीं घूम सकते। विच ऑफ फॉलोइंग इज टू रिलेटेड टू सिकल सेल एनीमिया, डिक्रीज ईएसआर, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी भी सही है लेकिन मेन क्या जाएगा, ईएसआर डिक्रीज होगी। ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट विच फाइंडिंग कैन द नर्स एट्रीब्यूट टू ए क्लाइंट सिकल सेल एनीमिया ब्लड डिजीज, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द एडमिशन असेसमेंट, पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं उसका असेसमेंट कर रहे हैं, विच फाइंडिंग कैन द नर्स एट्रीब्यूट टू क्लाइंट सिकल सेल एनीमिया ब्लड डिजीज,
एट्रीब्यूट मतलब योगदान देता है, किस स्टेटमेंट से पता चलता है कि उसको सिकल सेल एनीमिया है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, द क्लाइंट यूरिन इज क्लाउडी, तो क्लाउडी यूरिन किसका इंडिकेशन है, यूटीआई या इन्फेक्शन का इंडिकेशन है, द क्लाइंट इज जॉन्डिस बिल्कुल आरिबास में, द क्लाइंट इज पेन, पेन भी बिल्कुल सिम्टम है, द क्लाइंट इज शॉर्ट ब्रीथ बिल्कुल डिजनिया है, तो यूरिन क्लाउडी नहीं आएगा उसका, इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज द नर्स प्रायोरिटी ड्यूरिंग द क्लाइंट सिकल सेल क्राइसिस, मरीज को सिकल सेल क्राइसिस है तो प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है बेटा, इंप्रूविंग न्यूट्रिशन कंट्रोलिंग पेन, तो प्रायोरिटी क्या रहेगा, पेन मैनेजमेंट हमेशा प्रायोरिटी रहेगा सिकल सेल में. नेक्स्ट, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज बेस्ट फॉर द मेंटेन टिश्यू प्रोविजन ड्यूरिंग द सिकल सेल क्राइसिस, जब क्राइसिस हो रहा है उस समय ऑक्सीजन की पूर्ति या प्रोविजन को मेंटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, प्रोवाइड द क्लाइंट टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ असिस्टिंग द क्लाइंट फॉर अप्लाइंग द थाई एंड एलिवेटिंग द क्लाइंट लोअर एक्सट्रीमिटीज या हैविंग द क्लाइंट डेंगल द लेग, डेंगल एंगल नहीं करना, क्रॉस लेगिंग नहीं करना, स्टॉकिंग नहीं लगाना है, और बढ़ेगी सिकलिंग. नेक्स्ट, द नर्स ड्यू द हेरिडिटरी इंप्लीकेशन एंड प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ सिकल सेल एनीमिया विद द क्लाइंट, द नर्स टीचर्स द क्लाइंट दैट द सिकल सेल क्राइसिस वाज मोस्ट लाइकली ट्रिगर्ड बाय विच प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, एक्सेप्ट द नर्स ड्यू द हेरिडिटरी इंप्लीकेशन, मतलब जन्मजात विकार है, हेरिडिटी प्रॉब्लम है, इंप्लीकेशन है क्या, और कौन कौन से प्रिसिपिटेटिव फैक्टर है किसके लिए, सिकल सेल एनीमिया के, कौन सा फैक्टर सिकल सेल एनीमिया के लिए जिम्मेदार नहीं है, कुल मिला के ये पूछ रहा है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओवर एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज करना सिकल सेल क्राइसिस को बढ़ाएगा, सही है, फीवर आना बढ़ाएगा, स्मोकिंग में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्या ग्लूकोज कम होने का संबंध सिकल सेल क्राइसिस से नहीं, ये कोई एट्रीब्यूट नहीं करता, ग्लूकोज कम होना क्या संबंध है आपका, संबंध नहीं है आपका सिकलिंग से. नेक्स्ट, व्हेन द क्लाइंट आस्क द नर्स टू एलोबरेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग द सिकल सेल ट्रेट, व्हिच इज द बेस्ट रिस्पांस, पीपल विद सिकल सेल ट्रेट मैनिफेस्ट द डिजीज लेटर इन लाइफ, ये कह रहा है कि व्हेन द क्लाइंट आस्क द नर्स टू एलोबरेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग द सिकल सेल ट्रेट, व्हिच इज द बेस्ट रिस्पांस, पेशेंट ने नर्स से पूछा कि एलोबरेट आप काइंडली एलोबरेट आप समझो कि सिकल सेल ट्रेट्स कैसे होते हैं, एक तो होती है सिकल सेल डिजीज, एक होती है ट्रेट्स, अब ट्रेट्स क्या होता है मैं इसको आपको समझा देता हूं बेटा, एक मैं बताना भूल गया आपको, देखिएगा इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, देखिए सिकल सेल एनीमिया के इनहेरिटेंस जन्मजाती कैसे होते हैं, यानी मां बच्चों में कैसे होते हैं, देखिएगा तीन है, ये कोसी प्रॉब्लम है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ऑटोसोम को 44 से डिनोट करते हैं अपन, अरे कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है 44, अगर ऐसा मतलब तो इसका मतलब नॉर्मल ब्लड है उसका, नॉर्मल आपका हिपरसन है, कोई सिकल सेल एनीमिया नहीं है, अगर मैं ऐसा दर्शाऊं एक बिंदु दर्शाऊं तो इसका मतलब कैरियर पर्सन है, किसका, सिकल सेल है एनीमिया का, और अगर मैं ऐसे दर्शाऊं दो डॉट दर्शाऊं इसका मतलब मरीज किससे ग्रसित है, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, या तो नॉर्मल होगा पर्सन या वो क्या होगा सिकल सेल से कैरियर, या क्या होगा सिकल सेल से पेशेंट होगा, सिकल सेल पेशेंट है, तीन स्थिति. अब क्वेश्चन आता कैसे कैसे इनहेरिटेंस होती है, कोई फादर है वो क्या है नॉर्मल है, और नॉर्मल को तुम किससे डिनोट करोगे 44 से, उसकी मैरिड हुई है मदर जो है वो क्या है बेटा कैरियर है, अरे मदर क्या है कैरियर को किससे डिनोट करोगे, ऐसे सिंगल डॉट से, अरे अभी लिखा ना यार कैरियर सिंगल और पेशेंट किससे डबल से, अब बताओ उसके आने वाले बच्चों में सिकल सेल एनीमिया के चांस कितने, तो देखिएगा 44 है तो इसको भी 22 लिख दो और इसको भी क्या लिख दो, ये क्या है 44 तो एक को तो लिखो डॉट एक ही है ना, और दूसरे पे क्या लिखो नॉर्मल, अब देखिए इसको क्रॉस मैच करो पहले को तीसरे से 44, पहले को दूसरे से चौथे से 44, कोई डॉट नहीं है, इनको इनसे कराओ 44 सिंगल डॉट, इसमें कोई नहीं है 44, तो यहां पे क्या है 50% पर्सन क्या है नॉर्मल है, और 50% संतति क्या होगी कैरियर, क्या होगी कैरियर,
और कैरियर में क्या होता है बेटा, ट्रेड्स शो होते हैं। ट्रेड्स का मतलब साइन सिम्टम हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, लेकिन बीमारी से ग्रसित है तो ये ओकल्जन के ये सारे जो भी साइन सिम्टम वो आते हैं। समझ रहे मेरी बात? दूसरा क्वेश्चन, फादर क्या है? कैरियर। अरे फादर क्या है? ये साहब कैरियर। कितना डॉट आएगा? सिंगल। मदर क्या है? सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, तो किससे डिनोट करोगे? दो डॉट से। अबे कितने डॉट बनाओगे? अब बताओ उसकी संतति में क्या होगी? तो सुनो, 22 एक नॉर्मल बना दो और एक क्या बना दो? डॉटेड हो गया ये तो कैरियर। और मदर किससे ग्रसित है? सिकल सेल। तो दोनों पे क्या आएंगे? डिफेक्टिव जीन जिम्मेदार होंगे दोनों में। ये लो, अब कराओ क्रॉस मैच। 44 कितने? एक और दो, दो डॉट है। 44 एक एंड दो, दोनों पे ना डॉट, इसमें नहीं है तो 44 सिंगल डॉट। यहां पे भी क्या? 44 सिंगल डॉट, तो क्या होगा? 50% तो बच्चे क्या होंगे? कैरियर। और 50% किससे? सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होंगे। ऐसा हो सकता है? और अगर दोनों किससे ग्रसित है? सिकल सेल एनीमिया, तो 100% बच्चे क्या होंगे? सिकल सेल एनीमिया होंगे। ये नहीं आता क्या समझ में तुम्हें? अरे मटर का स्वतंत्र अपयून का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रतापिता का नियम पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे मेंडेलियन जेनेटिक्स क्लियर है? द रूल्स ऑफ डोमिनेंसी याद आ रहा नहीं आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, आनुवंशिकी, ये क्लियर है? तो जो कैरियर होता है ना वो ट्रेड शो करते हैं, और जो सिकल सेल एनीमिया का वो साइन सिम्टम शो करते हैं। ये क्वेश्चन मतलब ये है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हेन द क्लाइंट आस्क्ड द नर्स टू एलैबोरेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग द सिकल सेल ट्रेड्स, पेशेंट नर्स को पूछ रहा है कि सिकल सेल ट्रेड्स क्या होता है, आप बताओ। तो नर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा? नर्स कैसे बताएगी ट्रेड्स को? कैसे एक्सप्लेन करेगी? कैसे डिफाइन करेगी? पहला ऑप्शन, पीपल विद सिकल सेल ट्रेट मैनिफेस्ट द डिजीज लेटर इन लाइफ, कि जिन लोगों को ट्रेड्स होता है उनकी एडवांस एज यानी उम्र बढ़ने के बाद साइन सिम्टम शो होते हैं। दूसरा, पीपल विद सिकल सेल ट्रेट हैव ए माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज सिम्टम, माइल्ड फॉर्म के सिम्टम होते हैं उसमें। तीसरा, पीपल विद सिकल सेल ट्रेट डू नॉट डेवलप सिम्टम ऑफ डिजीज, कि इन बच्चों को साइन सिम्टम शो नहीं होते। पीपल विद सिकल सेल ट्रेट हैव ए मच शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिनमें ट्रेंड्स होते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? शॉर्ट। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी, ऐसे बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहती है? शॉर्टर रहती है ट्रेड्स वालों की। समझ रहे आप? चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इनक्लाइंड, बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी में देखना तो बेस्ट क्या? सीरम फेरिटिन सबसे बढ़िया होता बेटा, क्लियर? कम्युनिटी में आयरन डेफिशिएंसी देना। Which of the following would be the most appropriate snake for the client with iron deficiency anemia? किसी को iron deficiency anemia तो सबसे बढ़िया snakes क्या है? Half of a grapefruit, आधा कप किसका जूस? अंगूर का जूस, एक carrot resin सलाद, resin और गाजर का सलाद, cup of yogurt, yogurt का एक कप, या apple slice and cheese? Iron, iron सबसे बढ़िया पाया जाता है गाजर में और रेजिन्स में। चुकंदर नहीं होता कि लाल लाल, कितना आयरन होता है उसमें? गाजर वही लाल होती, तो राइट आंसर बी। अब तो सिकल सेल एनीमिया में इसको अवॉइड करना कि नहीं करना है? क्यों? क्योंकि आयरन क्या है? ओवरलोड है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला समझाने के लिए। एन एक्यूट कंडीशन कैरेक्टराइज बाय डिमिनिश्ड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ट्रगर्ड बाय वायरल इन्फेक्शन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्यूट कंडीशन कैरेक्टराइज बाय डिमिनिश प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का प्रोडक्शन क्या होगा? कम, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ट्रगर्ड बाय वायरल इन्फेक्शन और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, और ये किसकी वजह से होगा? या तो कोई बॉडी में क्या हो जाए? इन्फेक्शन, या बॉडी में किसकी कमी हो जाए? फोलिक एसिड की। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? एड्रेनल क्राइसिस, वेसोकल्जीव, एप्लास्टिक, एस्प्लेनिक। तो ऐसे क्राइसिस क्या कहलाते हैं? वेसोकल्जीव। अबे एप्लास्टिक के अंदर तो बोन मैरो डिप्रेशन होगा या डिस्ट्रक्ट हो रहा है क्या? या किसकी कमी हो रही है? फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड की कमी होगी तो आरबीसी जो मेच्योर नहीं होगी, आरबीसी मेच्योर होगी क्या?
अरे 8 माइक्रोसाइट रेटिकुलोसाइट से 7.2 माइक्रोसाइट लाने में कौन जिम्मेदार है? फोलिक एसिड और विटामिन बी 9। ये नहीं होगी तो आरबीसी और क्या होगी? मेच्योर नहीं होगी तो आरबीसी एबनॉर्मल सिकल सेप रहेगी, और सिकल सेप रहेगी तो और आरबीसी किसमें जाके फंसेगी? ब्लड वेसल्स में। और कौन सा क्राइसिस? एप्लास्टिक क्राइसिस। तो कब होता है? जब बोन मेरो क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। और कोई मेज खा नहीं रहा। स्प्लेनिक के अंदर क्या होगा? आरबीसी फंस जाएगी और स्प्लीन को डैमेज कर देगी। तो फोलिक एसिड की कमी का क्या संबंध है इसका? और यहां पे वहां प्रोडक्शन थोड़ी कम होता, वहां तो आरबीसी आके फंस जाती है और स्प्लीन को डैमेज करती है, ऑटोलाइसिस हो जाता है इमोशन। क्लियर है? चले आगे। प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनाओगे? इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज आयरन की कमी से, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इंबैलेंस न्यूट्रिशन या नॉलेज डेफिसिट। तो प्रायोरिटी जो डायग्नोसिस रहती है बेटा वो रहती है इंबैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, क्योंकि एनीमिया रहेगा तो पेशेंट को क्या रहेगा? अरे पेशेंट को एनोरेक्सिया रहता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इरिटेट रहता है तो खा नहीं पाता बराबर, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के कारण भी जिम्मेदार कौन है? खाना बराबर नहीं लेना। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन सप्लीमेंट द नर्स करेक्टली एडवाइज द क्लाइंट टू टेक द टेबलेट विद विच बेवरेज। आयरन के बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ऑरेंज जूस, लेमन जूस, खट्टा जूस, कोई भी हो। इफ द क्लाइंट अंडरस्टैंड द नर्सेज एक्सप्लेनेशन अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ आयरन, द क्लाइंट विल इंडिकेट दैट दिस ड्रग कॉज स्टूल टर्न विच कलर। आयरन की वजह से स्टूल का कलर कैसा होता है? तो कैसा बेटा? डार्क ब्लैक, डार्क टेरी कलर का या डार्क ब्लैक स्टूल आएगा। सो दिस इज होल अबाउट किसके बारे में बेटा? सिकल सेल एनीमिया। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ऐसे नई क्लासे आपको अच्छी लगती तो आज ही अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराए बेटा। थैंक यू सो मच।